गदर टू अनुवाद रिबेलियन टू द कथा कंटिन्यूज के साथ ऑन स्क्रीन एक दो हजार तेईस भारतीय हिंदी भाषा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और निर्मित है और शक्तिमान तलवार द्वारा लिखित है 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी फिल्म में सनी देओल अमिषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा पहली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं फिल्म में तारा सिंह उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कैद अपने पेटे को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान लौटते हैं गदर दो को 11 अगस्त 2023 को नाट के रूप से रिलीज़ किया गया था फिल्म ने दुनिया भर में पाँच पाँच करोड़ से अधिक की कमाई की जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी और तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई कथानक उन्नीस सौ इकहत्तर में क्रश इंडिया अभियान के पृष्ठभूमि में सीमा पर एक झड़प के दौरान तारा सिंह लापता हो गए और माना जाता है कि उन्हें पाकिस्तान में कैद कर लिया गया है यह जानकर तारा का बेटा चरणजीत जीते सिंह से बचाने के लिए जाता है लेकिन मेजर जनरल हामिद इकबाल के आदेश के तहत पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा उसे कैद कर लिया जाता है और यातना दी जाती है उन्नीस में अपनी पत्नी सकीना और जीते के साथ पाकिस्तान से भागने के दौरान तारा द्वारा इकबाल के कई अधीनस्थों की हत्या कर दी गई थी जिसके परिणाम स्वरूप हामिद तारा से बदला लेना चाहता है एक झड़प से बचने के बाद तारा पंजाब में फिर से उभर आई और सकीना से पता चला कि जीता पाकिस्तान में है बाकी कहानी इस बात पर आधारित है कि क्या तारा जीते को इकबाल और पाकिस्तान में उसके अधीनस्थों से बचा सकती है या नहीं उत्पादन विकास जी स्टूडियो सनी देओल अमिषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने 15 अक्टूबर 2021 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर गदर दो कथा कंटिन्यूस की घोषणा की मोशन पोस्टर के साथ रिलीज़ डेट 2022 का खुलासा किया गदर दो नामक सिकवल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को जारी किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनेत तारा सिंह को हथोड़े के साथ दिखाया गया है गदर एक प्रेम कथा 9 जून 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हुई डलाई सनी देओल ने तारा सिंह की अपनी भूमिका को दोहराया लेकिन शुरू में वह इस भूमिका को दोबारा करने से झिझक रहे थे उनका मानना था कि गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्में इतिहास में केवल एक बार ही बनाई जा सकती है वह कहते हैं हमने गदर बनाई थी लेकिन दर्शकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया शुरुआत में मैं इस बात को लेकर थोड़ा आशंकित था कि क्या हम न्याय कर पाएंगे और पहले भाग की विरासत को जारी रख पाएंगे फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा हैं उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने देओल को वापस आने के लिए मनाया उन्होंने कहा जब मैंने गदर दो सुनाई तो सनी थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि गदर एक ब्लॉकबस्टर थी और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि पूरा देश अनुरोध कर रहा है एक सिक्वल और हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने भी पहली फिल्म में सकीना और चरनजीत जीते सिंह की अपनी भूमिका दोहराई इस फिल्म के लिए सिमरत कौर को, को भी चुना गया था मनीष वाधवा को फिल्म में पाकिस्तानी सेना के जर्नल की भूमिका की पेशकश की गई थी रोहित चौधरी को भी फिल्म में पाकिस्तानी सेना के जर्नल की भूमिका में लिया गया था लव सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहम भूमिका में लिया गया फिल्म की शूटिंग मई 2023 तक पूरी कर ली गई थी पहली फिल्म में दिवंगत पुरी का चेहरा सकीना के पिता अशरफ अली के रूप में इस्तेमाल किया गया था पूरी का दो हजार पाँच में निधन हो गया और उन्होंने गदर एक प्रेम कथा के संग्रह फुटेज और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के माध्यम से अपने भूमिका का इस्तेमाल किया आधिकारिक ऑडियो गदर दो यूट्यूब पर पूरा एल्बम फिल्म का संगीत मिथुन ने तैयार किया है जबकि गीत सईद कादरी ने लिखे हैं पहला एकल शीर्षक ऊर्जा काले कावा उनतीस जून 2023 को जारी किया गया था दूसरा एकल शीर्षक कैरियत अठारह जुलाई 2023 को जारी किया गया था तीसरा एकल शीर्षक मैं निकला गड्डी लेके था तीन अगस्त 2023 को रिलीज़ हुई थी पलक मच्छल द्वारा गाया गया ऊर्जा काले कावा का एक सिक्वल महिला संस्करण अट्ठारह अगस्त 2023 को जारी किया गया था मुक्त करना फिल्म का टीज़र 12 जून 2023 को गदर एक प्रेम कथा की बाईसवीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था फिल्म का ट्रेलर 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जारी किया गया था फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली दो दिन बाद यूट्यूब पर लीक हो गई जिससे कलेक्शन पर मामूली असर पड़ा और ओ एम जी दो के साथ टकराव हुआ थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया ने कई सिनेमाघरों को आधी रात के बाद और सुबह सुबह फिल्म के शो चलाने के लिए प्रेरित किया होम मीडिया फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार जी फाइव पर हासिल किए गए स्वागत अहमियता भरा जवाब समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमैटोज पर गदर दो को ग्यारह समीक्षाओं में से नौ प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग मिली जिसका औसत स्कोर दस में से तीन पॉइंट तीन है बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने पाँच में से साढ़े चार स्टार दिए और लिखा गदर दो पुराने ज़माने का देसी मनोरंजन है सनी देओल प्रतिशोध के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं वह हमेशा की तरह खूंखार है ज़बरदस्त रिकॉल वैल्यू के साथ देशभक्ति का स्वाद इसे भारी कमाई वाला बना देगा गदर दो भारी उम्मीदों पर खरा उतरता है इसमें सब कुछ है ड्रामा इमोशन एक्शन दो खूबसूरत गाने और हैंडपम्प सिक्वेंस अनिल शर्मा यह सुनिश्चित करते हैं कि वह बड़े स्क्रीन पर मनोरंजन फिल्म बनाने के लिए हर सामग्री को शेल्फ पर पैक करें द हिंदू से अनुज कुमार ने लिखा यह मूल जितना उत्तेजक नहीं है क्योंकि ड्राइवर अनिल शर्मा बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं शायद ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि थिएटर के बाहर का सामाजिक राजनीतिक माहौल मूल के मुकाबले कहीं अधिक नाटकीय और तीखा हो गया है 2001 में रिलीज हुई फिर भी यह अच्छा है कि शर्मा ने अंधराष्ट्रवादी स्वर को कम कर दिया है हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा गदर दो कहानी और उसकी गति के मामले में लड़खड़ाती है हालांकि यह बड़े पैमाने पर मनोरंजन वापस लाती है और यह निश्चित रूप से इसे पैसा वसूल घड़ी बना सकती है इंडिया टुडे से अनिंदिता मुखर्जी पाँच से साढ़े तीन स्टार दिए और लिखा गदर दो उम्मीदों पर भारी पड़ती है क्योंकि यह सफलतापूर्वक आपके दिल की धड़कनों को छूती है और इसमें सनी पाजी हैं जो सभी भारी भरकम काम कर सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने डेढ़ अंक दिए पाँच स्टार और लिखा हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि सनी पाजी अभी भी प्रभावी ढंग से गुर्रा सकते हैं बॉक्स ऑफिस अपने शुरुआती दिन में गदर दो ने भारत में कुल चालीस पॉइंट दस करोड़ यूएस डॉलर पाँच मिलियन की कमाई की अपने पहले सप्ताहांत में इसने एक सौ बत्तीस करोड़ से अधिक की कमाई की जिससे वह हिंदी फिल्मों के लिए छठा शेर शुरुआती सप्ताहांत बन गया चौबीस अगस्त दो हज़ार तेईस तक फिल्म ने दुनिया भर में पाँच सौ सैंतीस करोड़ की कमाई कर ली है अजय सिंह देओल जन्म उन्नीस अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पन जिन्हें सनी देओल के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक निर्माता राजनीति और गुरदासपुर से संसद सदस्य हैं एक अभिनेता के रूप में उन्होंने नब्बे से अधिक फिल्मों में काम किया है और विशेष रूप से अपने एक्शन हीरो व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे देओल ने रोमांटिक ड्रामा बेताब में नवागंतुक अमृता सिंह के साथ अभिनय की शुरुआत की जो व्यावसायिक रूप से सफल रही उन्होंने अर्जुन पाप की दुनिया और त्रिदेव जैसी एक्शन फिल्मों में हिट फिल्में दी और राजकुमार संतोषी की घायल में हत्या के आरोपी एक मुक्केबाज के किरदार के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष जूरी पुरस्कार जीता संतोषी के नाटक में उनका चित्रण एक अस्थिर वकील का था दामिनी उन्नीस सौ तिरानवे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, का। फिल्मफेयर पुरस्कार मिला पीरियड एक्शन फिल्मों बॉर्डर उन्नीस में और गदर एक प्रेम कथा 2001 में देओल को सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली बाद वाली उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी प्रारंभिक जीवन सनी देओल का जन्म अजय सिंह देओल के रूप में 10 अक्टूबर उन्नीस को भारत के पूर्वी पंजाब के सानेवाल गांव में एक पंजाबी परिवार में हुआ था बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के घर और प्रकाश कौर उनका एक छोटा भाई बॉबी देओल और दो बहनें विजेता और अजीता है जो अमेरिका के, के कैलिफोर्निया में रहते हैं हेमा मालिनी उनकी सौतेली माँ है अभिनेत्री ईशा देओल और आहना देओल उनकी सौतेली बहनें हैं उनके चचेरे भाई अभय देओल भी एक अभिनेता हैं अभिनय करियर उन्नीस सौ तिरासी से उन्नीस सौ नवासी पदार्पण और प्रमुखता में वृद्धि देओल ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस सौ तिरासी की रोमांटिक फिल्म बेताब से की जिसमें उनके अभिनय की सराहना की गई और उन्हें फ़िल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई जो उन्नीस की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई अगले वर्ष देओल ने सनी मंजिल मंजिल और सोनी महिवाल में अभिनय किया इसके बाद देओल राहुल रवैल की अर्जुन उन्नीस सौ पिचासी में दिखाई दिए जिसमें उन्होंने एक बेरोजगार कट्टरपंथी युवा की मुख्य भूमिका निभाई जो अपने दोस्तों के समूह के साथ उस प्रणाली के खिलाफ लड़ता है जो भ्रष्टाचार और कमजोरों के शोषण पर पनपती है इस फिल्म को काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी हिट साबित हुई और इसने सनी देओल को एक, एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित कर दिया उन्नीस में वह अपने पिता के साथ सल्तनत में नजर आए दशक के अंतिम वर्षों में वह पाप की दुनिया त्रिदेव और चालबास सहित कई हिट फिल्मों में दिखाई दिए त्रिदेव में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका को उजागर किया गया और चालबाज के साथ यह फिल्म साल की शीर्ष पाँच सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी एक सौ सुनब्ब्ब, उन्नीस के दशक में डेब्यूटेंट राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित घायल में देओल एक बॉक्सर की मुख्य भूमिका में नजर आए जो दुनिया भर में साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म और घरेलू स्तर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई घायल की जबरदस्त सफलता के कारण देओल ने नब्बे के दशक में बहुत सफल अवधि का आनंद लिया उन्नीस सौ इक्यानवे से दो हज़ार एक तक उन्होंने एक के बाद एक सफलताएं दी उन्नीस सौ इक्यानवे में योद्धा से शुरुआत हुई जिसमें उन्होंने संजय दत्त के साथ सह बिन्य किया इसे ज़्यादातर औसत समीक्षाएं मिली और इसने रुपए दो पॉइंट पचासी करोड़ के बजट के मुकाबले बारह पॉइंट पचानवे करोड़ कमाए उसी वर्ष नरसिम्हा एक और सफल फिल्म थी और उन्नीस सौ इक्यानवे की आठवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी उन्नीस सौ बयानवे में वह अपनी एकमात्र विश्वात्मा में दिखाई दी फिल्म को रिलीज़ होने पर समसामयिक और आधुनिक समीक्षकों से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली साथ ही इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की भी सराहना की गई इसने दुनिया भर में अपने कुल प्रदर्शन में 9.5 करोड़ से अधिक की कमाई की उन्नीस सौ तिरानवे में देओल ने बेहद सफल सामाजिक नाटक दामिनी में एक शराबी वकील की भूमिका निभाने के लिए राजकुमार संतोषी के साथ फिर से काम किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है और अभी भी इसे एक सर्वकालिक क्लासिक महिला उन्मुख <coughs> फिल्म माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण तो है सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शक फिल्म की प्रशंसा की गई थी संवेदनशीलता उस समय भाल बॉलीवुड में यह दुर्लभ था इसने देओल की ही मैन छवि को और मजबूत किया फिल्म तारीख पे तारीख में उनके डायलॉग तारीख पर तारीख और ढाई किलो का हाथ प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए यह फिल्म देओल के करियर में एक मील का पत्थर थी साथ ही अमरीश पुरी जिन्होंने भविष्य में एक साथ कई फिल्मों में अभिनय किया उन्नीस सौ चौरानवे की इंसानियत में अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दिए जो साल की दसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई उन्नीस सौ पचानवे में अंगरक्षक बॉक्स ऑफिस पर औसत से अधिक कमाई करने वाली फ़िल्म थी उस समय उन्नीस सौ छियानवे व्यावसायिक सफलता के मामले में देओल का सबसे सफल वर्ष था देउल ने उस वर्ष हिम्मत जीत घातक और अजय समेत चार फिल्में रिलीज़ की चारों सफल रही सलमान खान और करिश्मा कपूर के साथ अभिनीत जीत ने दुनिया भर में उन्तीस करोड़ का कलेक्शन किया इसे सुपरहिट घोषित किया गया और यह उन्नीस सौ छियानवे की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई जीत का साउंड ट्रैक सांसों का चलना और यारा ओ यारा गाने के साथ एक चार्ट बस्टर था घटक उसी वर्ष रिलीज़ हुई जिसे आलोचनात्मक और व्यावसायिक प्रशंसा मिली और इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया घायल और दामिनी के बाद यह संतोषी का देओल और पुरी के साथ तीसरा सहयोग था इसने बयालीसवें फेयर पुरस्कारों में पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित तीन पुरस्कार जीते उन्नीस सौ में देओल ने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म जिद्दी से शुरुआत की जिद्दी दो सौ बयानवे पॉइंट पाँच मिलियन रुपए के शुद्ध संग्रह के साथ उन्नीस सौ की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी यह फिल्म विशेष रूप से उत्तर भारत में फली फूली गानों को खूब सराहा गया इसमें शानदार गाना मेरा दिल ले गई ओए बेहद लोकप्रिय हुआ इसके बाद उन्होंने जबरदस्त हिट बॉर्डर दी जो उन्नीस सौ इकहत्तर में लौंगेवाला की लड़ाई के दौरान हुई वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित एक महाकाव्य युद्ध फिल्म थी जिसमें देओल ने सम्मानित भारतीय सेना अधिकारी ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की प्रमुख भूमिका निभाई थी उनकी उन्नीस सौ निन्यानवे की फिल्म अर्जुन पंडित ने योद्धा के बाद निर्देशक राहुल रवैल के साथ उनका पहला सहयोग चिन्हित किया उनके पिछले सहयोग अर्जुन और योद्धा की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के कारण यह फिल्म वर्ष की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई हालांकि रिलीज़ होने पर इसकी अच्छी समीक्षा नहीं की गई लेकिन फिल्म हिट हो गई बताया जा रहा है कि यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे इस फिल्म का ज़बरदस्त फैन है ऐसी अफवाह थी कि उन्होंने इसे सौ से अधिक बार देखा था इस फिल्म के प्रति उनके प्रेम से प्रेरित होकर उन्हें पंडित उपनाम मिला वर्ष 2000 में देओल की एकमात्र रिलीज चैंपियन थी जो बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही शैस्त्रावादी में उनकी पहली ब्लॉकबस्टर हिट 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा थी जिसका निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था जिसमें देओल ने एक देशभक्त भारतीय ट्रक ड्राइवर तारा सिंह की भूमिका निभाई थी और अपने प्रिया को वापस पाने के लिए पाकिस्तान की एक नाटकीय यात्रा करता है 2002 में देओल ने युद्ध फिल्म तुझे सलाम में अभिनय किया जो ज़ोरदार शुरुआत की लेकिन खराब समीक्षाओं के कारण केवल औसत से कम कमाई के रूप में उभरी उन्होंने 23 मार्च उन्नीस शहीद में भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका निभाई जिसमें उनके भाई वो भी ने अभिनय किया था फिल्म की रिलीज़ राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित भगत सिंह पर आधारित एक और फिल्म के साथ हुई जिसका नाम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह था दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन आने वाले वर्षों में एक पंथ क्लासिक बन गई फिर 2003 में देओल ने निर्देशक अनिल शर्मा के साथ एक बार फिर द हीरो लव स्टोरी और ऑफिस स्पाई के लिए काम किया जिसमें प्रीति जिंटा और नवोदित प्रियंका चोपड़ा भी थी 11 अप्रैल को रिलीज़ हुई द हीरो को 600 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ उस समय की बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म के रूप में पेश किया गया था यह फिल्म उस वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई 2004 से 2022 प्रायोगिक परियोजनाएं छिटपुट सफलताएं और असफलताएं 2012 में सनी देओल अपने करियर के इस चरण के दौरान देओल ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो उनकी सामान्य शैली और बॉलीवुड उद्योग के प्रचलित रुझानों से हटकर थी दुर्भाग्य से उन्हें असफल सफलता मिली 2004 में देओल ने लकीर में अभिनय किया जिसमें सुनील शेट्टी और नवागंतुक सोहेल खान और जॉन अब्राहम सहित कई कलाकार शामिल थे फिल्म फ्लॉप रही उसी वर्ष उन्होंने स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म रोक सको तो रोक में अभिनय किया जो एक और फ्लॉप फिल्म थी 2005 में रिलीज हुई जो बोले सोनिहाल उस साल के लिए देओल की एक कल रिलीज थी चर्चा के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हालांकि देओल के अनूठे चित्रण ने उद्योग में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति को जन्म दिया जिससे एक लापरवाह हासमुख व्यक्तित्व वाले नायकों पर केंद्रित हास्य फिल्मों के निर्माण को प्रेरणा मिली फिर 2003 में देओल ने निर्देशक अनिल शर्मा के साथ एक बार फिर हिट द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई के लिए काम किया जिसमें प्रीति जिंटा और नवोदित प्रियंका चोपड़ा भी थी 11 अप्रैल को रिलीज हुई द हीरो को 600 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ उस समय की बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म के रूप में पेश किया गया था यह फिल्म उस वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई 2012 में सनी देओल अपने करियर के इस चरण के दौरान देओल ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो उनकी सामान्य शैली और बॉलीवुड उद्योग के प्रचलित रुझानों से हटकर भी दुर्भाग्य से उन्हें असफल सफलता मिली 2004 में देओल ने लकीर में अभिनय किया जिसमें सुनील शेट्टी और नवागंतुक सोहेल खान और जॉन अब्राहम सहित कई कलाकार शामिल थे फिल्म फ्लॉप रही उसी वर्ष उन्होंने स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म रोक सको तो रोक लो में अभिनय किया जो एक और फ्लॉप फिल्म बन गई 2005 में रिलीज़ हुई जो बोले सो निहाल उस साल के लिए देओल की एकल एक रिलीज थी चर्चा के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हालांकि देओल के अनूठे चित्रण ने उद्योग में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति को जन्म दिया जिससे एक लापरवाह और हंसमुख व्यक्तित्व वाले सिख नायकों पर केंद्रित हास्य फिल्मों के निर्माण को प्रेरणा मिली इस प्रवृत्ति के बाद के वर्षों में सिंग इज किंग सन ऑफ सरदार और सिंग इज ब्लिंग जैसी रिलीज़ देखी गई 2006 की रिलीज़ में शुरुआत में देओल ने टेक्नो थ्रिलर तीसरी आंख में अभिनय किया सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर गदर के बाद यह दूसरी बार है जब उन्होंने अमीशा पटेल के साथ सह अभिनय किया यह फिल्म उन्नीस सौ चौरानवे की फिल्म म्यूट विटनेस से भी प्रेरित है आलोचकों द्वारा इसकी निंदा की गई और यह एक विनाशकारी परिणाम साबित हुई सितंबर 2006 में देवल ने एक्शन एडवेंचर फिल्म नक्शा में एक भूमिका निभाई जो बॉलीवुड द्वारा इंडियाना जॉन्स और द मम्मी में देखी गई फिल्मों के सार को पकड़ने का एक प्रयास था श्रृंखला कुछ समीक्षकों द्वारा अपने समय से आगे की फिल्म कहे जाने के बावजूद दुर्भाग्य से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफलता का सामना करना पड़ा 2007 में देओल ने उस समय की एक और असामान्य फिल्म बिग ब्रदर एक सतर्क फिल्म के साथ शुरुआत की यह 2002 में प्रियंका चोपड़ा की पहली रिलीज होने वाली थी लेकिन इसमें लगभग पाँच साल की देरी हुई फिल्म एक आपदा थी अपने वर्ष को जारी रखते हुए वह कॉमेडी फिल्म फुल एंड फाइनल में दिखाई दी है जिसमें उभरती प्रतिभाओं शाहिद कपूर और आयशा टाकिया के साथ स्पॉटलाइट साझा की गई यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही अपने 2007 में पहली बार देओल अपने पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल के साथ नजर आए स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म फिल्म ने काफ़ी प्रचार बटोरा और उल्लेखनीय सफलता हासिल की 2008 में वे अपने भाई के साथ एक बार फिर सामूहिक ही फिल्म हीरोज में दिखाई दिए देओल के प्रदर्शन की हालांकि संक्षिप्त प्रशंसा की गई 2009 में देओल ने थ्रिलर फॉक्स तो 2009 में अर्जुन रामपाल के साथ अभिनय किया यह एक प्रतिपक्षी के रूप में प्रदर्शित होने वाली देओल की पहली फिल्म थी यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म ए मर्डर ऑफ क्रोज उन्नीस से प्रेरित थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही 2010 में देओल की पहली रिलीज़ नीरज पाठक की क्राइम थ्रिलर राइट या रॉन्ग थी जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी यमला पगला दीवाना जिसमें उनके साथ उनके पिता और भाई भी थे 2011 में देओल की एकमात्र रिलीज थी और इसे हिट घोषित किया गया था अपने करियर में पहली बार देओल ने एनिमेटेड फिल्म महाभारत में भीम की भूमिका के लिए अपनी आवाज़ दी इसने रुपए सोलह पॉइंट नौ मिलियन कमाए यमला पगला दीवाना दो उनकी दो हज़ार ग्यारह की हिट की अगली कड़ी दो हज़ार तेरह में रिलीज़ हुई थी लेकिन फिल्म आलोचनात्मक रही और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही दो हज़ार तेरह के अंत में देओल ने अनिल शर्मा के साथ एक बार फिर सिंह साहब द ग्रेट के लिए काम किया जिसे बड़े पैमाने पर पसंद किया गया और इसने सिनेमा हॉल के साथ साथ फेसबुक पर भी तहलका मचा दिया फिल्म सफल रही 2016 में सनी देओल और धर्मेंद्र 2015 में उन्होंने कंगना रनौत के साथ राधिका राव और विनय सप्रू की आई लव एन में काम किया किसी अज्ञात कारण से फिल्म को 2011 की अपनी मूल रिलीज तिथि से विलंबित किया गया और कई वर्षों बाद रिलीज़ किया गया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रह रही 2016 में घायल वंस अपॉन अगेन रिलीज हुई जो उनकी उन्नीस की ब्लॉकबस्टर घायल का सिक्वल थी दिल्ली उन्नीस सौ के बाद यह देवल की दूसरी निर्देशित फिल्म थी यह साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई लेकिन कहानी और गति की आलोचना की गई फिल्म ने कमाई तो अच्छी की लेकिन अंततः असफल रही 2017 में वह और उनके भाई श्रेया स्थल की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बॉयज़ में दिखाई दिए जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही 2018 में देओल यमला पगला दीवाना फिर से फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में दिखाई दिए साथ ही उस वर्ष उनकी लंबे समय से विलंबित दो फिल्में भैया जी सुपरहिट जहाँ उन्होंने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई है और मोहल्ला अस्सी रिलीज हुई ये सभी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही इस बीच 2019 में देओल ने फिर से एक निर्देशक का पद संभाला एक निर्देशक के रूप में उनकी तीसरी फिल्म पल पल दिल के पास जिसमें उनके बेटे करण देओल की पहली फिल्म थी जिसमें एक और नवागंतुक शहर बाम्बा मुख्य भूमिकाओं में थी 2022 में देओल ने क्राइम थ्रिलर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में अभिनय किया फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द केंद्रित है जो बेईमान फिल्म समीक्षकों को निशाना बनाता है 23 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई जहां इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली 2023 से वर्तमान पुनरुत्थान 2001 के ब्लॉकबस्टर गदर की अगली कड़ी गदर दो 11 अगस्त 2023 को रिलीज़ हुई थी फिल्म की कहानी उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के युग के आसपास केंद्रित है जिसमें तारा सिंह के रूप में देओल वापस पाकिस्तान लौटते हैं उसका बेटा इसका निर्देशन और निर्माण अनिल शर्मा ने किया है और फिल्म में देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिका में हैं देओल अगली बार सूर्या में नजर आएंगे उन्होंने बाप में अभिनय करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई जिसमें वे अपने समकालीन मिथुन चक्रवर्ती संजय दत्त तो और जैकि श्रॉफ के साथ दिखाई देंगे राजनीतिक करियर देओल तेईस अप्रैल दो हज़ार उन्नीस को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुनील जाखड़ के खिलाफ बयासी वोटों के अंतर से जीत हासिल की व्यक्तिगत जीवन सनी देओल की शादी पूजा देओल जन्म लिंडा देओल से हुई पूजा एक एंग्लो इंडियन परिवार से आती है उनके पिता कृष्ण देव महल एक भारतीय हैं जबकि उनकी माँ जून सारा महल ब्रिटिश शाही परिवार से आने वाली एक ब्रिटिश है इस जोड़े के दो बेटे हैं करण और राजवीर करण यमला पगला दीवाना दो में सहायक निर्देशक थे और उन्होंने फिल्म में दिलजीत दोशैन द्वारा गाए गए गाने में रैप किया है करण देओल ने दो में हिंदी भाषा की फीचर फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू किया है करण ने 2021 की क्राइम कॉमेडी फिल्म वेले में भी अभिनय किया जून 2023 में करण ने सनी देओल धर्मेंद्र और बॉबी देओल सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में दृश्य आचार्य से शादी की परंपरा इस धारा की तटस्थता विवादित है प्रासंगिक चर्चा वार्ता पृष्ठ पर पाई जा सकती है भारतीय फिल्म उद्योग में सनी देओल के करियर ने सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति दोनों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है अपनी दमदार स्क्रीन उपस्थिति गहन अभिनय और सशक्त संवाद अदायगी के लिए जाने जाने वाले देओल का प्रभाव पीढ़ियों तक फैला हुआ है एक्शन हीरो को परिभाषित करना देवल के कठोर निडर और नैतिक रूप से ईमानदार चरित्रों के चित्रण ने उन्हें अपने स्वयं का सर्वोत्कृष्ट एक्शन हीरो बना दिया घायल घातक बॉर्डर और गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने शक्तिशाली प्रदर्शन देने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया जिससे वह एक्शन उन्मुख सिनेमा में एक उल्लेखनीय व्यक्ति बन गए एक्शन शैली की फिल्मों में देओल की भागीदारी ने उन्हें इंडियन रेनबो और सिल्वेस्टर स्टैलोन ऑफ इंडिया उपनाम दिया है 2016 में महिला भारतीय पहलवान और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट ने खुले तौर पर सनी देओल के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की उन्हें अपना पसंदीदा अभिनेता बताया और बताया कि कैसे उन्होंने सनी देओल के चित्रण से प्रेरणा ली मशहूर भारतीय अभिनेता और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल चाहता है जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहान अख्तर ने कहा कि देओल अभिनेता अर्जुन उनकी सर्वकालिक पसंदीदा है प्रभावशाली संवाद प्रतिष्ठित बलवंत राय के कुट्टो ढाई किलो का हाथ और तारीख पे तारीख सहित देल के यादगार संवाद भारतीय संस्कृति में व्याप्त हो गए हैं जो रोज़मर्रा की बातचीत और संदर्भों का हिस्सा बन गए हैं भावनाओं के साथ पंक्तियां प्रस्तुत करने की उनकी प्रतिभा ने उनके पात्रों और फिल्मों की लोकप्रियता में योगदान दिया 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देउल के सबसे प्रतिष्ठित संवादों में से एक को ट्वीट करके भारत की भावना का जश्न मनाया हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा एक राष्ट्रीय नेता से मिली यह मान्यता भारतीय लोकाचार के साथ देउल की प्रतिध्वनि और देशभक्ति और गौरव का प्रतीक उनके चरित्र चित्रण को रेखांकित करती है सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना अपनी एक्शन भूमिकाओं के अलावा देओल ने महत्वपूर्ण सामाजिक मामलों को संबोधित करने वाली फिल्मों में भी कदम रखा दामिनी जैसी फिल्म है जिसे अभी भी एक भारतीय नारीवादी उत्कृष्ट कृति माना जाता है और एक लोकप्रिय पंथ का आनंद लेती है और गदर एक प्रेम कथा जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संबंधों के विषय की खोज की नए मनोरंजन और चर्चा के रास्ते दोनों के पेश की पेशकश की पुरुषत्व और कट्टरवाद का सांस्कृतिक प्रतीक देहुल के चित्रणों में पुरुषत्व और कट्टरवाद को दर्शाया गया है उनके चरित्र दृढ़ संकल्प और अटूट साहस के प्रतीक थे जो भारत के युवाओं के साथ गहराई से मेल खाते थे उनका कठोर और निडर व्यक्तित्व कई लोगों के लिए आकांक्षी व्यक्ति बन गया जिसने पुरुषत्व पर उनके दृष्टि को उनको प्रभावित किया और जिस चीज़ में वे विश्वास करते थे उसके लिए खड़े हो गए अग्रणी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस संस्कृति अपने करियर के चरम पर देओल भारत में बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े थे उनकी मानसल बनावट और काया पारंपरिक बॉलीवुड मानकों से हटकर थी जिसने व्यक्तियों की एक पीढ़ी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए प्रेरित किया अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के प्रति देओल की प्रतिबद्धता और अपने शरीर को बनाए रखने के प्रति उनके समर्पण ने देश में बढ़ते शरीर स्वस्थ और फिटनेस आंदोलन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया उनके पोस्टर उनकी मांसपेशियों के निर्माण और तीव्र नज़र को प्रदर्शित करते हुए देश भर में जिम के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए थे ये दृश्य अपने शरीर को बदलने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रयास करने वाले अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं देहुल ने बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को प्रभावी ढंग से जिम स्थानों की सीमा से बाहर और सड़कों पर ला दिया अमीषा पटेल जन्म नौ जून उन्नीस सौ पचहत्तर एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है उन्होंने 2000 में रोमांटिक ट्रेलर फिल्म का होना प्यार है से अभिनय की शुरुआत की जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए जिसने पुरस्कार दिलाया यह सफलता एक्शन फिल्म बद्री दो हज़ार और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पीरियड फिल्म गदर एक प्रेम कथा के साथ जारी रही हमराज और क्या यही प्यार है दोनों 2002 दो दो में अभिनय करने के बाद पटेल के करियर में गिरावट आई और उन्होंने हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड में सहायक भूमिकाएं निभाई लिमिटेड भूल भुल और रेस टू उन्होंने सिक्वल गदर टू में अपनी भूमिका को दोहराकर करियर में वापसी की प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि पटेल का जन्म एक गुजराती पिता अमित पटेल और एक सिंधी और पंजाबी एन आर आशा से 9 जून 1975 को हुआ था वह अश्मित पटेल की बहन और वकील राजनेता बैरिस्टर की पोती है रजनी पटेल जो मुंबई की कांग्रेस प्रदेश कमेटी का की अध्यक्ष थी उनका जन्म नाम उनके पिता के नाम अमित के पहले तीन अक्षरों और उनकी माँ के नाम आशा के आखिरी तीन अक्षरों का मिश्रण है पटेल ने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की और बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन में टफ्ट यूनिवर्सिटी जाने से पहले शैक्षणिक वर्ष उन्नीस सौ से तिरानवे के लिए हैड गर्ल थी जहाँ उन्होंने दो साल तक अध्ययन किया अंततः तो अपना स्थान बदलने से पहले अर्थशास्त्र के लिए प्रमुख पटेल को अभिनय का पहला अवसर उनके पिता के सहपाठी राकेश रोशन की ओर से रोमांटिक थ्रिलर का होना प्यार है 2000 में उनके बेटे ऋतिक रोशन के साथ अभिनय करने के प्रस्ताव के रूप में मिला हाई स्कूल से स्नातक होने के तुरंत बाद यह प्रस्ताव आया लेकिन उन्होंने इस परियोजना से इनकार कर दिया क्योंकि वह अमेरिका में अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती थी बाद में करीना कपूर ने उनकी जगह ले ली लेकिन सौभाग्य से कपूर ने कुछ दिनों के लिए प्रमुख फोटोग्राफी छोड़ दी और पटेल को एक बार फिर पारिवारिक दोपहर के भोजन के दौरान मौका दिया गया वह इस बार इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तुरंत तो तैयार हो गई अपने प्रेमी को खोने और एक अधिक परिपक्व रिश्ते की फिर से खोज करने के बाद एक उत्कट कॉलेज लड़की सोनिया सक्सेना की भूमिका ने पटेल को प्रदर्शन करने की गुंजाइश दी 2001 में वह अनिल शर्मा की क्रॉस बॉर्डर रोमांस गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल के साथ दिखाई दी पटेल ने कोहो ना प्यार है मैं सुर्खियों में आने से पहले इस पर हस्ताक्षर किए थे और वह उन 22 लड़कियों में शामिल थे जिनका फिल्म के लिए ऑडिशन देने आई 500 लड़कियों में से स्क्रीन टेस्ट किया गया था भूमिका पाने से पहले पटेल को बारह घंटे के ऑडिशन से गुजरना पड़ा था यह फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई साथ ही इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई जिसने भारत में नौ मिलियन रुपए की कमाई की इन सफलताओं के बाद फिल्मों की एक श्रृंखला आई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई जिम्मी शेरगिल के साथ रोमांटिक ड्रामा या जिंदगी का सफ़र में उन्होंने एक सफल गायिका की भूमिका निभाई जिसे उसके जन्म के समय उसकी मां ने छोड़ दिया था 2002 में पटेल ने लगातार तीन फ्लॉप फिल्मों में अभिनय किया आप मुझे अच्छे लगने लगे में उन्होंने सपना की भूमिका निभाई जो अपने ही पिता की सुरक्षा में कैद है यह फिल्म ऋतिक रोशन के साथ उनका दूसरा सहयोग है कहो ना प्यार है में उनकी सफल जोड़ी के विपरीत फिल्म एक बड़ी निराशा साबित हुई और एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी फिल्म में पटेल के प्रदर्शन की मीडिया के एक वर्ग द्वारा अत्यधिक आलोचना की गई लेकिन एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि एक त्रुटि थी क्योंकि दृश्य में बताया गया था कि उनका किरदार दमा का रोगी है फिल्म में यह जानते हुए भी संपादित नहीं किया गया कि एक शॉट कितना अंतर पैदा कर देगा इस प्रकार दर्शकों में उसकी सांस फूलती है दिखने के बारे में भ्रम पैदा हो गया जैसे कि वह ओवर एक्टिंग कर रही हो या रो रही हो पटेल की असफलता बॉबी देओल के साथ क्रांति और सलमान खान के साथ डेविड धवन की कॉमेडी में ये जलवा में जारी रही उसी वर्ष उन्होंने रोमांस फिल्म क्या यही प्यार है जो बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता का स्वाद चखा संघर्ष चरण 2003 से 2006 2003 से 2006 के की दौरान पटेल के अभिनय करियर में मंदी आ गई हमराज की सफलता के बाद उनकी असफल फिल्मों का सिलसिला जारी रहा और 2006 तक जारी रहा 2003 में उनकी एकमात्र रिलीज़ तमिल भाषा की फिल्म पुथिया गीताई और हिंदी फिल्म दीपक बैरी की परवाना थी पुथिया गीताई पहली बार और एकमात्र तमिल फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया था 2004 में उनकी रिलीज़ विमल कुमार की कॉमेडी सुनो ससुर जी दो के बाद से विलंबित निर्माण और उनकी दूसरी तेलुगु भाषा की फिल्म नानी थी उसी वर्ष वह अदनान सामी के संगीत वीडियो ओ मेरी जान और है कसम तू ना जा में भी दिखाई दी 2005 में उन्होंने सतीश कौशिक की थ्रिलर फिल्म वादा में अर्जुन रामपाल की बेवफा पत्नी की भूमिका निभाई जिसका पीछा उसका जुनूनी प्रेमी करता है अपनी अगली रिलीज ऐलान में उन्होंने एक टीवी रिपोर्टर की भूमिका निभाई बाद में वह कीर्तन मेहता के ऐतिहासिक नाटक मंगल पांडे द राइजिंग म्यामिर खान के साथ दिखाई दी जहाँ उन्होंने मृदुभाषी ज्वाला नामक एक बंगाली विधवा की भूमिका निभाई जिसे एक ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर द्वारा सती होने से बचाया जाता है पटेल को खान की सिफारिश के तहत ऐश्वर्या राय के प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया था जब उन्होंने बीबीसी पर उन्हें देखा था गदर टू अनुवाद रिबेलियन टू द कथा कंटिन्यूज के साथ ऑन स्क्रीन एक दो हजार तेईस भारतीय हिंदी भाषा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और निर्मित है और शक्तिमान तलवार द्वारा लिखित है 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी फिल्म में सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा पहली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं फिल्म में तारा सिंह उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कैद अपने पेटे को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान लौटते हैं गदर दो को 11 अगस्त 2023 को नाट के रूप से रिलीज़ किया गया था फिल्म ने दुनिया भर में पाँच करोड़ से अधिक की कमाई की जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी और तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई कथानक उन्नीस में क्रश इंडिया अभियान के पृष्ठभूमि में सीमा पर एक झड़प के दौरान तारा सिंह लापता हो गए और माना जाता है कि उन्हें पाकिस्तान में कैद कर लिया गया है यह जानकर तारा का बेटा चरणजीत जीते सिंह उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन मेजर जनरल हामिद इकबाल के आदेश के तहत पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा उसे कैद कर लिया जाता है और यातना दी जाती है उन्नीस में अपनी पत्नी सकीना और जीते के साथ पाकिस्तान से भागने के दौरान तारा द्वारा इकबाल के कई अधीनस्थों की हत्या कर दी गई थी जिसके परिणाम स्वरूप हामिद तारा से बदला लेना चाहता है एक झड़प से बचने के बाद तारा पंजाब में फिर से उभर आई और सकीना से पता चला कि जीता पाकिस्तान में है बाकी कहानी इस बात पर आधारित है कि क्या तारा जीते को इकबाल और पाकिस्तान में उसके अधीनस्थों से बचा सकती है या नहीं उत्पादन विकास जी स्टूडियो सनी देओल अमिशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने 15 अक्टूबर 2021 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर गदर दो कथा कंटिन्यू की घोषणा की मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गदर दो नामक सिक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को जारी किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनेत तारा सिंह को हतोड़े के साथ दिखाया गया है गदर एक प्रेम कथा 9 जून 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हुई डलाई सनी देओल ने तारा सिंह की अपनी भूमिका को दोहराया लेकिन शुरू में वह इस भूमिका को दोबारा करने से झिझक रहे थे उनका मानना था कि गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्में इतिहास में केवल एक बार ही बनाई जा सकती है वह कहते हैं हमने गदर बनाई थी लेकिन दर्शकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया शुरुआत में मैं इस बात को लेकर थोड़ा आशंकित था कि क्या हम न्याय कर पाएंगे और पहले भाग की विरासत को जारी रख पाएंगे फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा हैं उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने देओल को वापस आने के लिए मनाया उन्होंने कहा जब मैंने गदर दो सुनाई तो सनी थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि गदर एक ब्लॉकबस्टर थी और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि पूरा देश अनुरोध कर रहा है एक सिक्वल और हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने भी पहली फिल्म में सकीना और चरणजीत जीते सिंह की अपनी भूमिका दोहराई इस फिल्म के लिए सिमरत कौर को, को भी चुना गया था मनीष वाधवा को फिल्म में पाकिस्तानी सेना के जर्नल की भूमिका की पेशकश की गई थी रोहित चौधरी को भी फिल्म में पाकिस्तानी सेना के जर्नल की भूमिका में लिया गया था लव सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहम भूमिका में लिया गया फिल्म की शूटिंग मई 2023 तक पूरी कर ली गई थी पहली फिल्म में दिवंगत पुरी का चेहरा सकीना के पिता अशरफ अली के रूप में इस्तेमाल किया गया था पुरी का 2005 में निधन हो गया और उन्होंने गदर एक प्रेम कथा के संग्रह फुटेज और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के माध्यम से अपने भूमिका का इस्तेमाल किया आधिकारिक ऑडियो गदर दो यूट्यूब पर पूरा एल्बम फिल्म का संगीत मिथुन ने तैयार किया है जबकि गीत सईद कादरी ने लिखे हैं पहला एकल शीर्षक ऊर्जा काले कावा उनतीस जून दो हज़ार तेईस को जारी किया गया था दूसरा एकल शीर्षक खैरियत 18 था, जुलाई दो हज़ार तेईस को जारी किया गया था तीसरा एकल शीर्षक मैं निकला गड्डी लेके था तीन अगस्त दो हजार तेईस को रिलीज़ हुई थी पलक मच्छल द्वारा गाया गया ऊर्जा काले कावा का एक महिला संस्करण अट्ठारह अगस्त 2023 को जारी किया गया था मुक्त करना फिल्म का टीज़र 12 जून 2023 को गदर एक प्रेम कथा की बाईसवीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था फिल्म का ट्रेलर 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जारी किया गया था फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली दो दिन बाद यूट्यूब पर लीक हो गई जिससे कलेक्शन पर मामूली असर पड़ा और ओ एम जी दो के साथ टकराव हुआ थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया ने कई सिनेमाघरों को आधी रात के बाद और सुबह सुबह फिल्म के शो चलाने के लिए प्रेरित किया होम मीडिया फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार जी फाइव पर हासिल किए गए स्वागत अहमियता भरा जवाब समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर गदर दो को ग्यारह समीक्षाओं में से नौ प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग मिली जिसका औसत स्कोर दस में से तीन पॉइंट तीन है बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने पाँच में से साढ़े चार स्टार दिए और लिखा गदर दो पुराने ज़माने का देसी मनोरंजन है सनी देओल प्रतिशोध के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं वह हमेशा की तरह खूंखार है ज़बरदस्त रिकॉल वैल्यू के साथ देशभक्ति का स्वाद इसे भारी कमाई वाला बना देगा गदर दो भारी उम्मीदों पर खरा उतरता है इसमें सब कुछ है ड्रामा इमोशन एक्शन दो खूबसूरत गाने और हैंडपम्प सिक्वेंस अनिल शर्मा यह सुनिश्चित करते हैं कि वह बड़े स्क्रीन पर मनोरंजन फिल्म बनाने के लिए हर सामग्री को शेल्फ पर पैक करें द हिंदू से अनुज कुमार ने लिखा यह मूल जितना उत्तेजक नहीं है क्योंकि ड्राइवर अनिल शर्मा बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं शायद ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि थिएटर के बाहर का सामाजिक राजनीतिक माहौल मूल के मुकाबले कहीं अधिक नाटकीय और तीखा हो गया है 2001 में रिलीज़ हुई फिर भी यह अच्छा है कि शर्मा ने अंधराष्ट्रवादी स्वर को कम कर दिया है हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा गदर दो कहानी और उसकी गति के मामले में लड़खड़ाती है हालांकि यह बड़े पैमाने पर मनोरंजन वापस लाती है और यह निश्चित रूप से इसे पैसा वसूल घड़ी बना सकती है इंडिया टुडे से अनिंदिता मुखर्जी पाँच से साढ़े तीन स्टार दिए और लिखा गदर दो उम्मीदों पर भारी पड़ती है क्योंकि यह सफलतापूर्वक आपके दिल की धड़कनों को छूती है और इसमें सनी पाजी हैं जो सभी भारी भरकम काम कर सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने डेढ़ अंक दिए पाँच स्टार और लिखा हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि सनी पाजी अभी भी प्रभावी ढंग से गुर्रा सकते हैं बॉक्स ऑफिस अपने शुरुआती दिन में गदर दो ने भारत में कुल चालीस पॉइंट दस करोड़ यूएस डॉलर पाँच मिलियन की कमाई की अपने पहले सप्ताहांत में इसने एक सौ बत्तीस करोड़ से अधिक की कमाई की जिससे वह हिंदी फिल्मों के लिए छठा सिर शुरुआती सप्ताहांत बन गया चौबीस अगस्त दो हज़ार तेईस तक फिल्म ने दुनिया भर में पाँच करोड़ की कमाई कर ली है अजय सिंह देओल जन्म उन्नीस अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पन सनी देओल के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक निर्माता राजनीति और गुरदासपुर से संसद सदस्य हैं एक अभिनेता के रूप में उन्होंने नब्बे से अधिक फिल्मों में काम किया है और विशेष रूप से अपने एक्शन हीरो व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे देओल ने रोमांटिक ड्रामा बेताब में नवागंतुक अमृता सिंह के साथ अभिनय की शुरुआत की जो व्यावसायिक रूप से सफल रही उन्होंने अर्जुन पाप की दुनिया और त्रिदेव जैसी एक्शन फिल्मों में हिट फिल्में दी और राजकुमार संतोषी की घायल में हत्या के आरोपी एक मुक्केबाज के किरदार के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष जूरी पुरस्कार जीता संतोषी के नाटक में उनका चित्रण एक अस्थिर वकील का था दा मिनी उन्नीस सौ तिरानवे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला पीरियड एक्शन फिल्मों बॉर्डर उन्नीस सौ सत्तानवे और गदर एक प्रेम कथा दो हज़ार एक में देओल को सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली बाद वाली उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी प्रारंभिक जीवन सनी देओल का जन्म अजय सिंह देओल के रूप में 10 अक्टूबर उन्नीस को भारत के पूर्वी पंजाब के सानेवाल गांव में एक पंजाबी परिवार में हुआ था बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के घर और प्रकाश कौर उनका एक छोटा भाई बॉबी देओल और दो बहनें विजेता और अजीता है जो अमेरिका के, के कैलिफोर्निया में रहते हैं हेमा मालिनी उनकी सौतीली माँ है अभिनेत्री ईशा देओल और आहना देओल उनकी सौतीली बहनें हैं उनके चचेरे भाई अभय देओल भी एक अभिनेता हैं अभिनय करियर उन्नीस सौ तिरासी से उन्नीस सौ नवासी पदार्पण और प्रमुखता में वृद्धि देओल ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस सौ तिरासी की रोमांटिक फिल्म बेताब से की जिसमें उनके अभिनय की सराहना की गई और उन्हें फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई जो उन्नीस सौ तिरासी की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई अगले वर्ष देओल ने सनी मंजिल मंजिल और सोनी महिवाल में अभिनय किया इसके बाद देओल राहुल रवैल की अर्जुन उन्नीस सौ पिचासी में दिखाई दिए जिसमें उन्होंने एक बेरोजगार कट्टरपंथी युवा की मुख्य भूमिका निभाई जो अपने दोस्तों के समूह के साथ उस प्रणाली के खिलाफ लड़ता है जो भ्रष्टाचार और कमज़ोरों के शोषण पर पनपती है इस फिल्म को काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी हिट साबित हुई और इसने सनी देओल को एक, एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित कर दिया उन्नीस में वह अपने पिता के साथ सल्तनत में नजर आए दशक के अंतिम वर्षों में वह पाप की दुनिया त्रिदेव और चालबा सहित कई हिट फिल्मों में दिखाई दी है त्रिदेव में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका को उजागर किया गया और चालबाज के साथ यह फिल्म साल की शीर्ष पाँच सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी एक सौ के दशक में डेब्यूटेंट राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित घायल में देओल एक बॉक्सर की मुख्य भूमिका में नजर आए जो दुनिया भर में साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म और घरेलू स्तर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई घायल की जबरदस्त सफलता के कारण देओल ने नब्बे के दशक में बहुत सफल अवधि का आनंद लिया उन्नीस सौ इक्यानवे से दो हज़ार एक तक उन्होंने एक के बाद एक सफलताएं दी। उन्नीस सौ इक्यानवे में योद्धा से शुरुआत हुई जिसमें उन्होंने संजय दत्त के साथ सायाबिनय किया इसे ज़्यादातर औसत समीक्षाएं मिली और इसने रुपये दो पॉइंट पचासी करोड़ के बजट के मुकाबले बारह पॉइंट पचानवे करोड़ कमाए उसी वर्ष नरसिम्हा एक और सफल फिल्म थी और उन्नीस सौ इक्यानवे की आठवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी उन्नीस सौ बयानवे में वह अपनी एकमात्र विश्वात्मा में दिखाई दी फिल्म को रिलीज़ होने पर समसामयिक और आधुनिक समीक्षकों से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली साथ ही इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की भी सराहना की गई इसने दुनिया भर में अपने कुल प्रदर्शन में 9.5 करोड़ से अधिक की कमाई की उन्नीस में देओल ने बेहद सफल सामाजिक नाटक दामिनी में एक शराबी वकील की भूमिका निभाने के लिए राजकुमार संतोषी के साथ फिर से काम किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है और अभी भी इसे एक सर्वकालिक क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण तो है सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शक फिल्म की प्रशंसा की गई थी संवेदनशीलता उस समय भाल बॉलीवुड में यह दुर्लभ था इसने देओल की ही मैन छवि को और मजबूत किया फिल्म तारीख पे तारीख में उनके डायलॉग तारीख पर तारीख और ढाई किलो का हाथ प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए यह फिल्म देओल के करियर में एक मील का पत्थर थी साथ ही अमरीश पुरी जिन्होंने भविष्य में एक साथ कई फिल्मों में अभिनय किया उन्नीस सौ चौरानवे की इंसानियत में अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दिए जो साल की दसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म साबित हुई उन्नीस सौ पचानवे में अंगरक्षक बॉक्स ऑफिस पर औसत से अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय उन्नीस सौ छियानवे व्यावसायिक सफलता के मामले में देओल का सबसे सफल वर्ष था देओल ने उस वर्ष हिम्मत जीत घातक और अजय समेत चार फिल्में रिलीज़ की चारों सफल रही सलमान खान और करिश्मा कपूर के साथ अभिनित जीत ने दुनिया भर में उन्तीस करोड़ का कलेक्शन किया इसे सुपरहिट घोषित किया गया और यह उन्नीस सौ छियानवे की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई जीत का साउंड ट्रैक सांसों का चलना और यारा ओ यारा गाने के साथ एक चार्ट बस्टर था घटक उसी वर्ष रिलीज हुई जिसे आलोचनात्मक और व्यावसायिक प्रशंसा मिली और इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया घायल और दामिनी के बाद यह संतोषी का और पुरी के साथ तीसरा सहयोग था इसने बयालीसवें फिल्मफेयर पुरस्कारों में पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित तीन पुरस्कार जीते 1997 में देओल ने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म जिद्दी से शुरुआत की जिद्दी दो सौ पॉइंट मिलियन रुपए के शुद्ध संग्रह के साथ उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी यह फिल्म विशेष रूप से उत्तर भारत में फली फूली गानों को खूब सराहा गया इसमें शानदार गाना मेरा दिल ले गई ओए बेहद लोकप्रिय हुआ इसके बाद उन्होंने जबरदस्त हिट बॉर्डर दी जो उन्नीस सौ इकहत्तर में लौंगेवाला की लड़ाई के दौरान हुई वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित एक महाकाव्य युद्ध फिल्म थी जिसमें देओल ने सम्मानित भारतीय सेना अधिकारी ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की प्रमुख भूमिका निभाई थी उनकी उन्नीस की फिल्म अर्जुन पंडित ने योद्धा के बाद निर्देशक राहुल रवैल के साथ उनका पहला सहयोग चिन्हित किया उनके पिछले सहयोग अर्जुन और योद्धा की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के कारण यह फिल्म वर्ष की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई हालांकि रिलीज़ होने पर इसकी अच्छी समीक्षा नहीं की गई लेकिन फिल्म हिट हो गई बताया जा रहा है कि यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे इस फिल्म का ज़बरदस्त फैन है ऐसी अफवाह थी कि उन्होंने इसे सौ से अधिक बार देखा था इस फिल्म के प्रति उनके प्रेम से प्रेरित होकर उन्हें पंडित उपनाम मिला वर्ष 2000 में देओल की एकमात्र रिलीज चैंपियन थी जो बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही शैस्त्रावादी में उनकी पहली ब्लॉकबस्टर हिट 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा थी जिसका निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था जिसमें देओल ने एक देशभक्त भारतीय ट्रक ड्राइवर तारा सिंह की भूमिका निभाई थी और अपने प्रिया को वापस पाने के लिए पाकिस्तान की एक नाटकीय यात्रा करता है 2002 में देओल ने युद्ध फिल्म मातु में अभिनय किया जो ज़ोरदार शुरुआत की लेकिन खराब समीक्षाओं के कारण केवल औसत से कम कमाई के रूप में उभरी उन्होंने 23 मार्च उन्नीस सौ इकतीस शहीद में भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका निभाई जिसमें उनके भाई बॉबे देओल ने अभिनय किया था फिल्म की रिलीज़ राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित भगत सिंह पर आधारित एक और फिल्म के साथ हुई जिसका नाम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह था दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन आने वाले वर्षों में एक पंथ क्लासिक बन गई फिर 2003 में देओल ने निर्देशक अनिल शर्मा के साथ एक बार फिर द हीरो लव स्टोरी और ऑफ ए पाई के लिए काम किया जिसमें प्रीति जिंटा और नवोदित प्रियंका चोपड़ा भी थी 11 अप्रैल को रिलीज़ हुई द हीरो को 600 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ उस समय की बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म के रूप में पेश किया गया था यह फिल्म उस वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई 2004 से 2022 प्रायोगिक परियोजनाएं छुटपुट सफलताएं और असफलताएं 2012 में सनी देओल अपने करियर के इस चरण के दौरान देओल ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो उनकी सामान्य शैली और बॉलीवुड उद्योग के प्रचलित रुझानों से हटकर थी दुर्भाग्य से उन्हें असफल सफलता मिली 2004 में देओल ने लकीर में अभिनय किया जिसमें सुनील शेट्टी और नवागंतुक सोहेल खान और जॉन अब्राहम सहित कई कलाकार शामिल थे फिल्म फ्लॉप रही उसी वर्ष उन्होंने स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म रोक सको तो रोक में अभिनय किया जो एक और फ्लॉप फिल्म थी 2005 में रिलीज हुई जो बोले सोनिहाल उस साल के लिए देओल की एक कल रिलीज थी चर्चा के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हालांकि देओल के अनूठे चित्रण ने उद्योग में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति को जन्म दिया जिससे एक लापरवाह और हंसमुख व्यक्तित्व वाले सिख नायकों पर केंद्रित हास्य फिल्मों के निर्माण को प्रेरणा मिली फिर 2003 में देओल ने निर्देशक अनिल शर्मा के साथ एक बार फिर हिट द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई के लिए काम किया जिसमें प्रीति जिंटा और नवोदित प्रियंका चोपड़ा भी थी 11 अप्रैल को रिलीज हुई द हीरो को 600 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ उस समय की बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म के रूप में पेश किया गया था यह फिल्म उस वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई 2012 में सनी देओल अपने करियर के इस चरण के दौरान देओल ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो उनकी सामान्य शैली और बॉलीवुड उद्योग के प्रचलित रुझानों से हटकर भी दुर्भाग्य से उन्हें असफल सफलता मिली 2004 में देओल ने लकीर में अभिनय किया जिसमें सुनील शेट्टी और नवागंतुक सोहेल खान और जॉन अब्राहम सहित कई कलाकार शामिल थे फिल्म फ्लॉप रही उसी वर्ष उन्होंने स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म रोक सको तो रोक लो में अभिनय किया जो एक और फ्लॉप फिल्म बन गई 2005 में रिलीज़ हुई जो बोले सो निहाल उस साल के लिए देओल की एक रिलीज़ थी चर्चा के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हालांकि देओल के अनूठे ने उद्योग में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति को जन्म दिया जिससे एक लापरवाह और हंसमुख व्यक्तित्व वाले सिख नायकों पर केंद्रित हास्य फिल्मों के निर्माण को प्रेरणा मिली इस प्रवृत्ति के बाद के वर्षों में सिंग इज़ किंग सन ऑफ सरदार और सिंग इज़ ब्लिंग जैसी रिलीज़ देखी गई 2006 की रिलीज़ में शुरुआत में देओल ने टेक्नो थ्रिलर तीसरी आंख में अभिनय किया सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर गदर के बाद यह दूसरी बार है जब उन्होंने अमीषा पटेल के साथ सह अभिनय किया यह फिल्म उन्नीस की फिल्म म्यूट विटनेस से भी प्रेरित है आलोचकों द्वारा इसकी निंदा की गई और यह एक विनाशकारी परिणाम साबित हुई सितंबर 2006 में देओल ने एक्शन एडवेंचर फिल्म नक्शा में एक भूमिका निभाई जो बॉलीवुड द्वारा इंडियाना जॉन्स और द ममी में देखी गई फिल्मों के सार को पकड़ने का एक प्रयास था श्रृंखला कुछ समीक्षकों द्वारा अपने समय से आगे की फिल्म कहे जाने के बावजूद दुर्भाग्य से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफलता का सामना करना पड़ा 2007 में देओल ने उस समय की एक और असामान्य फिल्म बिग ब्रदर एक सतर्क फिल्म के साथ शुरुआत की यह 2002 में प्रियंका चोपड़ा की पहली रिलीज होने वाली थी लेकिन इसमें लगभग पाँच साल की देरी हुई फिल्म एक आपदा थी अपने वर्ष को जारी रखते हुए वह कॉमेडी फिल्म फुल एंड फाइनल में दिखाई दी है जिसमें उभरती प्रतिभाओं शाहिद कपूर और आयशा टाकिया के साथ स्पॉटलाइट साझा की गई यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही अपने 2007 में पहली बार देओल अपने पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल के साथ नजर आए स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म फिल्म ने काफ़ी प्रचार बटोरा और उल्लेखनीय सफलता हासिल की 2008 में वह अपने भाई के साथ एक बार फिर सामूहिक ही फिल्म हीरोज में दिखाई दिए देओल के प्रदर्शन की हालांकि संक्षिप्त प्रशंसा की गई 2009 में देओल ने थ्रिलर फॉक्स तो 2009 में अर्जुन रामपाल के साथ अभिनय किया यह एक प्रतिपक्षी के रूप में प्रदर्शित होने वाली देओल की पहली फिल्म थी यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म ए मर्डर ऑफ क्रोज उन्नीस से प्रेरित थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही 2010 में देओल की पहली रिलीज़ नीरज पाठक की क्राइम थ्रिलर राइट या रॉन्ग थी जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी यमला पगला दीवाना जिसमें उनके साथ उनके पिता और भाई भी थे 2011 में देओल की एकमात्र रिलीज थी और इसे हिट घोषित किया गया था अपने करियर में पहली बार देओल ने एनिमेटेड फिल्म महाभारत में भीम की भूमिका के लिए अपनी आवाज़ दी इसने रुपये सोलह पॉइंट नौ मिलियन कमाए यमला पगला दीवाना दो उनकी दो हज़ार ग्यारह की हिट की अगली कड़ी दो हज़ार तेरह में रिलीज़ हुई थी लेकिन फिल्म आलोचनात्मक रही और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही दो हज़ार तेरह के अंत में देओल ने अनिल शर्मा के साथ एक बार फिर सिंह साफ द ग्रेट के लिए काम किया जिसे बड़े पैमाने पर पसंद किया गया और इसने सिनेमा हॉल के साथ साथ फेसबुक पर भी तहलका मचा दिया फिल्म सफल रही 2016 में सनी देओल और धर्मेंद्र 2015 में उन्होंने कंगना रनौत के साथ राधिका राव और विनय सप्रू की आई लव एन में काम किया किसी अज्ञात कारण से फिल्म को 2011 की अपनी मूल रिलीज तिथि से विलंबित किया गया और कई वर्षों बाद रिलीज़ किया गया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही 2016 में घायल वंस अफ अगेन रिलीज हुई जो उनकी उन्नीस सौ नब्बे की ब्लॉकबस्टर घायल का सीक्वल थी दिल्लगी उन्नीस सौ निन्यानवे के बाद यह देवल की दूसरी निर्देशित फिल्म थी यह साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई लेकिन कहानी और गति की आलोचना की गई फिल्म ने कमाई तो अच्छी की लेकिन अंततः असफल रही दो में वह और उनके भाई श्रेयस तलपड़े की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बॉयज में दिखाई दिए जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही 2018 में देओल यमला पगला दीवाना फिर से फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में दिखाई दिए साथ ही उस वर्ष उनकी लंबे समय से विलंबित दो फिल्में भैया जी सुपरहिट जहाँ उन्होंने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई है और मोहल्ला अस्सी रिलीज़ हुई ये सभी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही इस बीच 2019 में देओल ने फिर से एक निर्देशक का पद संभाला एक निर्देशक के रूप में उनकी तीसरी फिल्म पल पल दिल के पास जिसमें उनके बेटे करण देओल की पहली फिल्म थी जिसमें एक और नवागंतुक शहर बांबा मुख्य भूमिकाओं में थी 2022 में देओल ने क्राइम थ्रिलर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में अभिनय किया फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द केंद्रित है जो बेईमान फिल्म समीक्षकों को निशाना बनाता है 23 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई जहां इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली 2023 से वर्तमान पुनरुत्थान 2001 के की ब्लॉकबस्टर गदर की अगली कड़ी गदर दो 11 अगस्त 2023 को रिलीज़ हुई थी फिल्म की कहानी उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के युग के आसपास केंद्रित है जिसमें तारा सिंह के रूप में देओल वापस पाकिस्तान लौटते हैं उसका बेटा इसका निर्देशन और निर्माण अनिल शर्मा ने किया है और फिल्म में देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिका में हैं देओल अगली बार सूर्या में नजर आएंगे उन्होंने बाप में अभिनय करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई जिसमें वे अपने समकालीन मिथुन चक्रवर्ती संजय दत्त तो और जैके श्रॉफ के साथ दिखाई देंगे राजनीतिक करियर देओल तेईस अप्रैल दो हजार उन्नीस को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रतिद्वंद्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुनील जाखड़ के खिलाफ बयासी वोटों के अंतर से जीत हासिल की व्यक्तिगत जीवन सनी देओल की शादी पूजा देओल जन्म लिंडा देओल से हुई पूजा एक एंग्लो इंडियन परिवार से आती है उनके पिता कृष्ण देव महल एक भारतीय हैं जबकि उनकी माँ जून सारा महल ब्रिटिश शाही परिवार से आने वाली एक ब्रिटिश है इस जोड़े के दो बेटे हैं करण और राजवीर करण यमला पगला दीवाना दो में सहायक निर्देशक थे और उन्होंने फिल्म में दिलजीत दोशैन द्वारा गाए गए गाने में रैप किया है करण देओल ने दो में हिंदी भाषा की फीचर फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू किया है करण ने 2021 की क्राइम कॉमेडी फिल्म वेले में भी अभिनय किया जून 2023 में करण ने सनी देओल धर्मेंद्र और बॉबी देओल सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में दृश्य आचार्य से शादी की परंपरा इस धारा की तटस्थता विवादित है प्रासंगिक चर्चा वार्ता पृष्ठ पर पाई जा सकती है भारतीय फिल्म उद्योग में सनी देओल के करियर ने सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति दोनों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है अपनी दमदार स्क्रीन उपस्थिति गहन अभिनय और सशक्त संवाद अदायगी के लिए जाने जाने वाले देओल का प्रभाव पीढ़ियों तक फैला हुआ है एक्शन हीरो को परिभाषित करना देओल के कठोर निडर और नैतिक रूप से ईमानदार चरित्रों के चित्रण ने उन्हें अपने स्वयं का सर्वोत्कृष्ट एक्शन हीरो बना दिया घायल घातक बॉर्डर और गदर एक प्रेम का था जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने शक्तिशाली प्रदर्शन देने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया जिससे वह एक्शन उन्मुख सिनेमा में एक उल्लेखनीय व्यक्ति बन गए एक्शन शैली की फिल्मों में देओल की भागीदारी ने उन्हें इंडियन रेनबो और सिल्वेस्टर स्टैलोन ऑफ इंडिया उपनाम दिया है 2016 में महिला भारतीय पहलवान और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट ने खुले तौर पर सनी देओल के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की उन्हें अपना पसंदीदा अभिनेता बताया और बताया कि कैसे उन्होंने सनी देओल के चित्रण से प्रेरणा ली मशहूर भारतीय अभिनेता और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल चाहता है जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहान अख्तर ने कहा कि देओल अभिनेता अर्जुन उनकी सर्वकालिक पसंदीदा हैं प्रभावशाली संवाद प्रतिष्ठित बलवंत राय के कुट्टो ढाई किलो का हाथ और तारीख पे तारीख सहीद देओल के यादगार संवाद भारतीय संस्कृति में व्याप्त हो गए हैं जो रोज़मर्रा की बातचीत और संदर्भों का हिस्सा बन गए हैं भावनाओं के साथ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने की उनकी प्रतिभा ने उनके पात्रों और फिल्मों की लोकप्रियता में योगदान दिया 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देउल के सबसे प्रतिष्ठित संवादों में से एक को ट्वीट करके भारत की भावना का जश्न मनाया हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा एक राष्ट्रीय नेता से मिली यह मान्यता भारतीय लोकाचार के साथ देओल की प्रतिध्वनि और देशभक्ति और गौरव का प्रतीक उनके चरित्र चित्रण को रेखांकित करती है सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना अपनी एक्शन भूमिकाओं के अलावा देओल ने महत्वपूर्ण सामाजिक मामलों को संबोधित करने वाली फिल्मों में भी कदम रखा दामिनी जैसी फिल्म जिसे अभी भी एक भारतीय नारीवादी उत्कृष्ट कृति माना जाता है और एक लोकप्रिय पंथ का आनंद लेती है और गदर एक प्रेम कथा जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संबंधों के विषय की खोज की नए मनोरंजन और चर्चा के रास्ते दोनों के पेश की पेशकश की पुरुषत्व और कट्टरवाद का सांस्कृतिक प्रतीक देहुल के चित्रणों में पुरुषत्व और कट्टरवाद को दर्शाया गया है उनके चरित्र दृढ़ संकल्प और अटूट साहस के प्रतीक थे जो भारत के युवाओं के साथ गहराई से मेल खाते थे उनका कठोर और निडर व्यक्तित्व कई लोगों के लिए आकांक्षी व्यक्ति बन गया जिसने पुरुषत्व पर उनके दृष्टि को उनको प्रभावित किया और जिस चीज़ में वे विश्वास करते थे उसके लिए खड़े हो गए अग्रणी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस संस्कृति अपने करियर के चरम पर देओल भारत में बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े थे उनकी मांसल बनावट और काया पारंपरिक बॉलीवुड मानकों से हटकर थी जिसने व्यक्तियों की एक पीढ़ी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए प्रेरित किया अपनी ऑनस्क्रीन भूमिकाओं के प्रति देओल की प्रतिबद्धता और अपने शरीर को बनाए रखने के प्रति उनके समर्पण ने देश में बढ़ते शरीर सशस्त्र और फिटनेस आंदोलन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया उनके पोस्टर उनकी मांसपेशियों के निर्माण और तीव्र नज़र को प्रदर्शित करते हुए देश भर में जिम के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए थे ये दृश्य अपने शरीर को बदलने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रयास करने वाले अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं देहोल ने बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को प्रभावी ढंग से जिम्मे स्थानों की सीमा से बाहर और सड़कों पर ला दिया अमीषा पटेल जन्म नौ जून उन्नीस सौ एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है उन्होंने 2000 में रोमांटिक ट्रेलर फिल्म का होना प्यार है से अभिनय की शुरुआत की जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए जी ने पुरस्कार दिलाया यह सफलता एक्शन फिल्म बद्री दो हज़ार और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पीरियड फिल्म गदर एक प्रेम कथा के साथ जारी रही हमराज और क्या यही प्यार है दोनों 2002 दो, दो में अभिनय करने के बाद पटेल के करियर में गिरावट आई और उन्होंने हनीमून मून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में सहायक भूमिकाएं निभाई लिमिटेड भूल भुलैया और रेस टू उन्होंने सिक्वल गदर टू में अपनी भूमिका को दोहराकर करियर में वापसी की प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि पटेल का जन्म एक गुजराती पिता अमित पटेल और एक सिंधी और पंजाबी एन आर आशा से 9 जून 1975 को हुआ था वह अश्मित पटेल की बहन और वकील राजनेता बैरिस्टर की पोती है रजनी पटेल जो मुंबई की कांग्रेस प्रदेश कमेटी का की अध्यक्ष थी उनका जन्म नाम उनके पिता के नाम अमित के पहले तीन अक्षरों और उनकी माँ के नाम आशा के आखिरी तीन अक्षरों का मिश्रण है पटेल ने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉर्न स्कूल में पढ़ाई की और बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन में टफ्ट यूनिवर्सिटी जाने से पहले शैक्षणिक वर्ष उन्नीस सौ से तिरानवे के लिए हेड गर्ल थी जहाँ उन्होंने दो साल तक अध्ययन के अंततः अपना स्थान बदलने से पहले अर्थशास्त्र के लिए प्रमुख पटेल को अभिनय का पहला अवसर उनके पिता के सहपाठी राकेश रोशन की ओर से रोमांटिक थ्रिलर का होना प्यार है 2000 में उनके बेटे ऋतिक रोशन के साथ अभिनय करने के प्रस्ताव के रूप में मिला हाई स्कूल से स्नातक होने के तुरंत बाद यह प्रस्ताव आया लेकिन उन्होंने इस परियोजना से इनकार कर दिया क्योंकि वह अमेरिका में अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती थी बाद में करीना कपूर ने उनकी जगह ले ली लेकिन सौभाग्य से कपूर ने कुछ दिनों के लिए प्रमुख फोटोग्राफी छोड़ दी और पटेल को एक बार फिर पारिवारिक दोपहर के भोजन के दौरान मौका दिया गया वह इस बार इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तुरंत तो तैयार हो गई अपने प्रेमी को खोने और एक अधिक परिपक्व रिश्ते की फिर से खोज करने के बाद एक उत्कट कॉलेज लड़की सोनिया सक्सेना की भूमिका ने पटेल को प्रदर्शन करने की गुंजाइश दी 2001 में वह अनिल शर्मा की क्रॉस बॉर्डर रोमांस गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल के साथ दिखाई दी पटेल ने को ना प्यार है मैं सुर्खियों में आने से पहले इस पर हस्ताक्षर किए थे और वह उन 22 लड़कियों में शामिल थे जिनका फिल्म के लिए ऑडिशन देने आई 500 लड़कियों में से स्क्रीन टेस्ट किया गया था भूमिका पाने से पहले पटेल को बारह घंटे के ऑडिशन से गुजरना पड़ा था यह फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई साथ ही इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई जिसने भारत में नौ मिलियन रुपए की कमाई की इन सफलताओं के बाद फिल्मों की एक श्रृंखला आई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई जिम्मे शेरगिल के साथ रोमांटिक ड्रामा या जिंदगी का सफर में उन्होंने एक सफल गायिका की भूमिका निभाई जिसे उसके जन्म के समय उसकी मां ने छोड़ दिया था 2002 में पटेल ने लगातार तीन फ्लॉप फिल्मों में अभिनय किया आप मुझे अच्छे लगने लगे में उन्होंने सपना की भूमिका निभाई जो अपने ही पिता की सुरक्षा में कैद है यह फिल्म ऋतिक रोशन के साथ उनका दूसरा सहयोग है कहो ना प्यार है में उनकी सफल जोड़ी के विपरीत फिल्म एक बड़ी निराशा साबित हुई और एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी फिल्म में पटेल के प्रदर्शन की मीडिया के एक वर्ग द्वारा अत्यधिक आलोचना की गई लेकिन एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि एक त्रुटि थी क्योंकि दृश्य में बताया गया था कि उनका किरदार दमा का रोगी है फिल्म में यह जानते हुए भी संपादित नहीं किया गया कि एक शॉट कितना अंतर पैदा कर देगा इस प्रकार दर्शकों में उसकी सांस फूलती है दिखने के बारे में भ्रम पैदा हो गया जैसे कि वह ओवर एक्टिंग कर रही हो या रो रही हो पटेल की असफलता बॉबी देओल के साथ क्रांति और सलमान खान के साथ डेविड धवन की कॉमेडी में यह जलवा में जारी रही उसी वर्ष उन्होंने रोमांस फिल्म क्या यही प्यार है जो बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता का स्वाद चखा संघर्ष चरण 2003 से 2006 2003 से 2006 के दौरान पटेल के अभिनय करियर में मंदी आ गई हमराज की सफलता के बाद उनकी असफल फिल्मों का सिलसिला जारी रहा और 2006 तक जारी रहा 2003 में उनकी एकमात्र रिलीज़ तमिल भाषा की फ़िल्म पुथिया गीताई और हिंदी फिल्म दीपक बहरी की परवाना थी पुथिया गीताई पहली बार और एकमात्र तमिल फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया था 2004 में उनकी रिलीज़ विमल कुमार की कॉमेडी सुनो ससुर जी दो के बाद से विलंबित निर्माण और उनकी दूसरी तेलुगु भाषा की फिल्म नानी थी उसी वर्ष वह अदनान सामी के संगीत वीडियो ओ मेरी जान और है कसम तू ना जा में भी दिखाई दी 2005 में उन्होंने सतीश कौशिक की थ्रिलर फिल्म वादा में अर्जुन रामपाल की बेवफा पत्नी की भूमिका निभाई जिसका पीछा उसका जुनूनी प्रेमी करता है अपनी अगली रिलीज ऐलान में उन्होंने एक टीवी रिपोर्टर की भूमिका निभाई बाद में वह कीर्तन मेहता के ऐतिहासिक नाटक मंगल पांडे द राइजिंग मामिर खान के साथ दिखाई दी जहाँ उन्होंने मृदुभाषी ज्वाला नामक एक बंगाली विधवा की भूमिका निभाई जिसे एक ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर द्वारा सती होने से बचाया जाता है पटेल को खान की सिफारिश के तहत ऐश्वर्या राय के प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया था जब उन्होंने बीबीसी पर उन्हें देखा था गदर टू अनुवाद रिबेलियन टू द कथा कंटिन्यूज के साथ ऑन स्क्रीन एक दो हजार तेईस भारतीय हिंदी भाषा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और निर्मित है और शक्तिमान तलवार द्वारा लिखित है 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी फिल्म में सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा पहली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं फिल्म में तारा सिंह उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कैद अपने पेटे को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान लौटते हैं गदर दो को 11 अगस्त 2023 को नाट के रूप से रिलीज़ किया गया था फिल्म ने दुनिया भर में पाँच करोड़ से अधिक की कमाई की जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी और तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई कथानक उन्नीस सौ इकहत्तर में क्रश इंडिया अभियान के पृष्ठभूमि में सीमा पर एक झड़प के दौरान तारा सिंह लापता हो गए और माना जाता है कि उन्हें पाकिस्तान में कैद कर लिया गया है यह जानकर तारा का बेटा चरणजीत जीते सिंह उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन मेजर जनरल हामिद इकबाल के आदेश के तहत पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा उसे कैद कर लिया जाता है और यातना दी जाती है उन्नीस में अपनी पत्नी सकीना और जीते के साथ पाकिस्तान से भागने के दौरान तारा द्वारा इकबाल के कई अधीनस्थों की हत्या कर दी गई थी जिसके परिणाम स्वरूप हामिद तारा से बदला लेना चाहता है एक झड़प से बचने के बाद तारा पंजाब में फिर से उभर आई और सकीना से पता चला कि जीता पाकिस्तान में है बाकी कहानी इस बात पर आधारित है कि क्या तारा जीते को इकबाल और पाकिस्तान में उसके अधीनस्थों से बचा सकती है या नहीं उत्पादन विकास जी स्टूडियो सनी देओल अमिषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने 15 अक्टूबर 2021 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आधिकारिक तौर पर गदर दोदक कथा कंटिन्यूस की घोषणा की मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गदर दो नामक सिक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को जारी किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनेत तारा सिंह को हथौड़े के साथ दिखाया गया है गदर एक प्रेम कथा 9 जून 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज़ हुई डलाई सनी देओल ने तारा सिंह की अपनी भूमिका को दोहराया लेकिन शुरू में वह इस भूमिका को दोबारा करने से झिझक रहे थे उनका मानना था कि गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्म में इतिहास में केवल एक बार ही बनाई जा सकती है वह कहते हैं हमने गदर बनाई थी लेकिन दर्शकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया शुरुआत में मैं इस बात को लेकर थोड़ा आशंकित था कि क्या हम न्याय कर पाएंगे और पहले भाग की विरासत को जारी रख पाएंगे फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा हैं उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने देओल को वापस आने के लिए मनाया उन्होंने कहा जब मैंने गदर दो सुनाई तो सनी थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि गदर एक ब्लॉकबस्टर थी और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि पूरा देश अनुरोध कर रहा है एक सिक्वल और हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए अमीशा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने भी पहली फिल्म में सकीना और चरनजीत जीते सिंह की अपनी भूमिका दोहराई इस फिल्म के लिए सिमरत कौर को, को भी चुना गया था मनीष वाधवा को फिल्म में पाकिस्तानी सेना के जर्नल की भूमिका की पेशकश की गई थी रोहित चौधरी को भी फिल्म में पाकिस्तानी सेना के जर्नल की भूमिका में लिया गया था लव सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहम भूमिका में लिया गया फिल्म की शूटिंग मई 2023 तक पूरी कर ली गई थी पहली फिल्म में दिवंगत अमरीश पुरी का चेहरा सकीना के पिता अशरफ अली के रूप में इस्तेमाल किया गया था पुरी का 2005 में निधन हो गया और उन्होंने गदर एक प्रेम कथा के संग्रह फुटेज और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के माध्यम से अपने भूमिका का इस्तेमाल किया आधिकारिक ऑडियो गदर दो यूट्यूब पर पूरा एल्बम फिल्म का संगीत मिथुन ने तैयार किया है जबकि गीत सईद कादरी ने लिखे हैं पहला एकल शीर्षक ऊर्जा काले कावा उनतीस जून दो हज़ार तेईस को जारी किया गया था दूसरा एकल शीर्षक कैरियत 18 था, जुलाई दो हज़ार तेईस को जारी किया गया था तीसरा एकल शीर्षक में निकला गड्डी लेके था तीन अगस्त दो हज़ार तेईस को रिलीज हुई थी पलक मच्छल द्वारा गाया गया ऊर्जा काले कावा का एक सिक्वल महिला संस्करण अट्ठारह अगस्त 2023 को जारी किया गया था मुक्त करना फिल्म का टीजर 12 जून 2023 को गदर एक प्रेम कथा की बाईसवीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था फिल्म का ट्रेलर 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जारी किया गया था फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली दो दिन बाद यूट्यूब पर लीक हो गई जिससे कलेक्शन पर मामूली असर पड़ा और ओ एम जी दो के साथ टकराव हुआ थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया ने कई सिनेमाघरों को आधी रात के बाद और सुबह सुबह फिल्म के शो चलाने के लिए प्रेरित किया होम मीडिया फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार जी फाइव पर हासिल किए गए स्वागत अहमियता भरा जवाब समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर गदर दो को ग्यारह समीक्षाओं में से नौ प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग मिली जिसका औसत स्कोर दस में से तीन पॉइंट तीन है बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने पाँच में से साढ़े चार स्टार दिए और लिखा गदर दो पुराने जमाने का देसी मनोरंजन है सनी देओल प्रतिशोध के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं वह हमेशा की तरह खूंखार है ज़बरदस्त रिकॉल वैल्यू के साथ देशभक्ति का स्वाद इसे भारी कमाई वाला बना देगा गदर दो भारी उम्मीदों पर खरा उतरता है इसमें सब कुछ है ड्रामा इमोशन एक्शन दो खूबसूरत गाने और हैंडपम्प सिक्वेंस अनिल शर्मा यह सुनिश्चित करते हैं कि वह बड़े स्क्रीन पर मनोरंजन फिल्म बनाने के लिए हर सामग्री को शेल्फ पर पैक करें द हिंदू से अनुज कुमार ने लिखा यह मूल जितना उत्तेजक नहीं है क्योंकि ड्राइवर अनिल शर्मा बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं शायद ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि थिएटर के बाहर का सामाजिक राजनीतिक माहौल मूल के मुकाबले कहीं अधिक नाटकीय और तीखा हो गया है 2001 में रिलीज हुई फिर भी यह अच्छा है कि शर्मा ने अंधराष्ट्रवादी स्वर को कम कर दिया है हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा गदर दो कहानी और उसकी गति के मामले में लड़खड़ाती है हालांकि यह बड़े पैमाने पर मनोरंजन वापस लाती है और यह निश्चित रूप से इसे पैसा वसूल घड़ी बना सकती है इंडिया टुडे से अनिंदिता मुखर्जी पाँच से साढ़े तीन स्टार दिए और लिखा गदर दो उम्मीदों पर भारी पड़ती है क्योंकि यह सफलतापूर्वक आपके दिल की धड़कनों को छूती है और इसमें सनी पाजी हैं जो सभी भारी भरकम काम कर सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने डेढ़ अंक दिए पाँच स्टार और लिखा हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि सनी पाजी अभी भी प्रभावी ढंग से गुर्रा सकते हैं बॉक्स ऑफिस अपने शुरुआती दिन में गदर दो ने भारत में कुल चालीस पॉइंट दस करोड़ यूएस डॉलर पाँच मिलियन की कमाई की अपने पहले सप्ताहांत में इसने एक सौ बत्तीस करोड़ से अधिक की कमाई की जिससे वह हिंदी फिल्मों के लिए छठा शेर शुरुआती सप्ताहांत बन गया चौबीस अगस्त दो हज़ार तेईस तक फिल्म ने दुनिया भर में पाँच करोड़ की कमाई कर ली है अजय सिंह देओल जन्म उन्नीस अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पन सनी देओल के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्देशक निर्माता राजनेता और गुरदासपुर से संसद सदस्य हैं एक अभिनेता के रूप में उन्होंने नब्बे से अधिक फिल्मों में काम किया है और विशेष रूप से अपने एक्शन हीरो व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे देओल ने रोमांटिक ड्रामा बेताब में नवागंतुक अमृता सिंह के साथ अभिनय की शुरुआत की जो व्यावसायिक रूप से सफल रही उन्होंने अर्जुन पाप की दुनिया और त्रिदेव जैसी एक्शन फिल्मों में हिट फिल्में दी और राजकुमार संतोषी की घायल में हत्या के आरोपी एक मुक्केबाज के किरदार के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष जूरी पुरस्कार जीता संतोषी के नाटक में उनका चित्रण एक अस्थिर वकील का था दा मिनी उन्नीस सौ तिरानवे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला पीरियड एक्शन फिल्मों बॉर्डर उन्नीस सौ सत्तानवे और गदर एक प्रेम कथा दो हज़ार एक में देओल को सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली बाद वाली उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी प्रारंभिक जीवन सनी देओल का जन्म अजय सिंह देओल के रूप में 10 अक्टूबर उन्नीस को भारत के पूर्वी पंजाब के सानेवाल गांव में एक पंजाबी परिवार में हुआ था बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के घर और प्रकाश कौर उनका एक छोटा भाई बॉबी देओल और दो बहनें विजेता और अजीता है जो अमेरिका के, के कैलिफोर्निया में रहते हैं हेमा मालिनी उनकी सौतीली माँ है अभिनेत्री ईशा देओल और आहना देओल उनकी सोतेली बहनें हैं उनके चचेरे भाई अभय देओल भी एक अभिनेता हैं अभिन ने करियर उन्नीस सौ तिरासी से उन्नीस सौ नवासी पदार्पण और प्रमुखता में वृद्धि देओल ने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस सौ तिरासी की रोमांटिक फिल्म बेताब से की जिसमें उनके अभिनय की सराहना की गई और उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई जो उन्नीस की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई अगले वर्ष देओल ने सनी मंजिल मंजिल और सोनी महिवाल में अभिनय किया इसके बाद देओल राहुल रवैल की अर्जुन उन्नीस सौ पिचासी में दिखाई दिए जिसमें उन्होंने एक बेरोजगार कट्टरपंथी युवा की मुख्य भूमिका निभाई जो अपने दोस्तों के समूह के साथ उस प्रणाली के खिलाफ लड़ता है जो भ्रष्टाचार और कमजोरों के शोषण पर पनपती है इस फिल्म को काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी हिट साबित हुई और इसने सनी देओल को एक, एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित कर दिया उन्नीस में वह अपने पिता के साथ सल्तनत में नजर आए दशक के अंतिम वर्षों में वह पाप की दुनिया त्रिदेव और चालवास सहित कई हिट फिल्मों में दिखाई है। त्रिदेव में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका को उजागर किया गया और चालबाज के साथ यह फिल्म साल के शीर्ष पाँच सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी एक सौ सुनब्ब्ब, के दशक में डेब्यूटेंट राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित घायल में देओल एक बॉक्सर की मुख्य भूमिका में नजर आए जो दुनिया भर में साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म और घरेलू स्तर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई घायल के जबरदस्त सफलता के कारण देओल ने नब्बे के दशक में बहुत सफल अवधि का आनंद लिया उन्नीस सौ इक्यानवे से दो हज़ार एक तक उन्होंने एक के बाद एक सफलताएं दी उन्नीस सौ इक्यानवे में योद्धा से शुरुआत हुई जिसमें उन्होंने संजय दत्त के साथ सह बिनने किया इसे ज़्यादातर औसत समीक्षाएं मिली और इसने रुपये दो पॉइंट पचासी करोड़ के बजट के मुकाबले बारह पॉइंट पचानवे करोड़ कमाए उसी वर्ष नरसिम्हा एक और सफल फिल्म थी और उन्नीस सौ इक्यानवे की आठवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी उन्नीस सौ बयानवे में वह अपनी एकमात्र विश्वात्मा में दिखाई दी फिल्म को रिलीज़ होने पर समसामयिक और आधुनिक समीक्षकों से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली साथ ही इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों की भी सराहना की गई इसने दुनिया भर में अपने कुल प्रदर्शन में 9.5 करोड़ से अधिक की कमाई की उन्नीस में देओल ने बेहद सफल सामाजिक नाटक दामिनी में एक शराबी वकील की भूमिका निभाने के लिए राजकुमार संतोषी के साथ फिर से काम किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है और अभी भी इसे एक सर्वकालिक क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण तो है सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शक फिल्म की प्रशंसा की गई थी संवेदनशीलता उस समय भाल बॉलीवुड में यह दुर्लभ था इसने देओल की ही मैन छवि को और मजबूत किया फिल्म तारीख पे तारीख में उनके डायलॉग तारीख पर तारीख और ढाई किलो का हाथ प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए यह फिल्म देओल के करियर में एक मील का पत्थर थी साथ ही अमरीश पुरी जिन्होंने भविष्य में एक साथ कई फिल्मों में अभिनय किया 1994 की इंसानियत में वह अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दिए जो साल की दसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म साबित हुई उन्नीस सौ पचानवे में अंगरक्षक बॉक्स ऑफिस पर औसत से अधिक कमाई करने वाली फ़िल्म थी उस समय उन्नीस सौ छियानवे व्यावसायिक सफलता के मामले में देल का सबसे सफल वर्ष था देल ने उस वर्ष हिम्मत जीत घातक और अजय समेत चार फिल्में रिलीज़ की चारों सफल रही सलमान खान और करिश्मा कपूर के साथ अभिनेत जीत ने दुनिया भर में उनतीस करोड़ का कलेक्शन किया इसे सुपर हिट घोषित किया गया और यह उन्नीस सौ छियानवे की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई जीत का साउंड ट्रैक सांसों का चलना और यारा ओ यारा गाने के साथ एक चार्ट बस्टर था घटक उसी वर्ष रिलीज हुई जिसे आलोचनात्मक और व्यावसायिक प्रशंसा मिली और इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया घायल और दामिनी के बाद यह संतोषी का देओल और पुरी के साथ तीसरा सहयोग था इसने बयालीसवें फिल्मफेयर पुरस्कारों में पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित तीन पुरस्कार जीते उन्नीस में देओल ने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म जिद्दी से शुरुआत की जिद्दी दो सौ पॉइंट मिलियन रुपए के शुद्ध संग्रह के साथ उन्नीस की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी यह फिल्म विशेष रूप से उत्तर भारत में फली फूली गानों को खूब सराहा गया इसमें शानदार गाना मेरा दिल ले गई ओए बेहद लोकप्रिय हुआ इसके बाद उन्होंने जबरदस्त हिट बॉर्डर दी जो उन्नीस सौ इकहत्तर में लौंगेवाला की लड़ाई के दौरान हुई वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित एक महाकाव्य युद्ध फिल्म थी जिसमें देओल ने सम्मानित भारतीय सेना अधिकारी ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की प्रमुख भूमिका निभाई थी उनकी उन्नीस सौ निन्यानवे की फिल्म अर्जुन पंडित ने योद्धा के बाद निर्देशक राहुल रवैल के साथ उनका पहला सहयोग चिन्हित किया उनके पिछले सहयोग अर्जुन और योद्धा की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के कारण यह फिल्म वर्ष की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई हालांकि रिलीज़ होने पर इसकी अच्छी समीक्षा नहीं की गई लेकिन फिल्म हिट हो गई बताया जा रहा है कि यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे इस फिल्म का ज़बरदस्त फैन है ऐसी अफवाह थी कि उन्होंने इसे सौ से अधिक बार देखा था इस फिल्म के प्रति उनके प्रेम से प्रेरित होकर उन्हें पंडित उपनाम मिला वर्ष 2000 में देओल की एकमात्र रिलीज चैंपियन थी जो बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही शैस्त्रावादी में उनकी पहली ब्लॉकबस्टर हिट 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा थी जिसका निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था जिसमें देओल ने एक देशभक्त भारतीय ट्रक ड्राइवर तारा सिंह की भूमिका निभाई थी और अपने प्रिया को वापस पाने के लिए पाकिस्तान की एक नाटकीय यात्रा करता है 2002 में देओल ने युद्ध फिल्म मातु सलाम में अभिनय किया जो ज़ोरदार शुरुआत की लेकिन खराब समीक्षाओं के कारण केवल औसत से कम कमाई के रूप में उभरी उन्होंने 23 मार्च उन्नीस शहीद में भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका निभाई जिसमें उनके भाई वोबी देओल ने अभिनय किया था फिल्म की रिलीज़ राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित भगत सिंह पर आधारित एक और फिल्म के साथ हुई जिसका नाम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह था दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन आने वाले वर्षों में एक पंथ क्लासिक बन गई फिर 2003 में देओल ने निर्देशक अनिल शर्मा के साथ एक बार फिर द हीरो लव स्टोरी और ऑफ ए स्पाई के लिए काम किया जिसमें प्रीति जिंटा और नवोदित प्रियंका चोपड़ा भी थी 11 अप्रैल को रिलीज हुई द हीरो को 600 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ उस समय की बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म के रूप में पेश किया गया था यह फिल्म उस वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई 2004 से 2022 प्रायोगिक परियोजनाएं छुटपुट सफलताएं और असफलताएं 2012 में सनी देओल अपने करियर के इस चरण के दौरान देओल ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो उनकी सामान्य शैली और बॉलीवुड उद्योग के प्रचलित रुझानों से हटकर थी दुर्भाग्य से उन्हें असफल सफलता मिली 2004 में देओल ने लकीर में अभिनय किया जिसमें सुनील शेट्टी और नवागंतुक सोहेल खान और जॉन अब्राहम सहित कई कलाकार शामिल थे फिल्म फ्लॉप रही उसी वर्ष उन्होंने स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म रोक सको तो रोक में अभिनय किया जो एक और फ्लॉप फिल्म थी 2005 में रिलीज हुई जो बोले सोनिहाल उस साल के लिए देओल की एक कल रिलीज थी चर्चा के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हालांकि देओल के अनूठे चित्रण ने उद्योग में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति को जन्म दिया जिससे एक लापरवाह हंसमुख व्यक्तित्व वाले सिख नायकों पर केंद्रित हास्य फिल्मों के निर्माण को प्रेरणा मिली फिर 2003 में देल ने निर्देशक अनिल शर्मा के साथ एक बार फिर हिट द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई के लिए काम किया जिसमें प्रीति जिंटा और नवोदित प्रियंका चोपड़ा भी थी 11 अप्रैल को रिलीज हुई द हीरो को 600 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ उस समय की बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म के रूप में पेश किया गया था यह फिल्म उस वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई 2012 में सनी देओल अपने करियर के इस चरण के दौरान देओल ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो उनकी सामान्य शैली और बॉलीवुड उद्योग के प्रचलित रुझानों से हटकर भी दुर्भाग्य से उन्हें असफल सफलता मिली 2004 में देओल ने लकीर में अभिनय किया जिसमें सुनील शेट्टी और नवागंतुक सोहेल खान और जॉन अब्राहम सहित कई कलाकार शामिल थे फिल्म फ्लॉप रही उसी वर्ष उन्होंने स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म रोक सको तो रोक लो में अभिनय किया जो एक और फ्लॉप फिल्म बन गई 2005 में रिलीज़ हुई जो बोले सो निहाल उस साल के लिए की एकल एक रिलीज थी चर्चा के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हालांकि देओल के अनूठे चित्रट ने उद्योग में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति को जन्म दिया जिससे एक लापरवाह और हंसमुख व्यक्तित्व वाले सिख नायकों पर केंद्रित हास्य फिल्मों के निर्माण को प्रेरणा मिली इस प्रवृत्ति के बाद के वर्षों में सिंग इज किंग सन ऑफ सरदार और सिंग इज ब्लिंग जैसी रिलीज़ देखी गई 2006 की रिलीज़ में शुरुआत में देओल ने टेक्नो थ्रिलर तीसरी आंख में अभिनय किया सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर गदर के बाद यह दूसरी बार है जब उन्होंने अमीशा पटेल के साथ सह अभिनय किया यह फिल्म उन्नीस सौ चौरानवे की फिल्म म्यूट विटनेस से भी प्रेरित है आलोचकों द्वारा इसकी निंदा की गई और यह एक विनाशकारी परिणाम साबित हुई सितंबर 2006 में देवल ने एक्शन एडवेंचर फिल्म नक्शा में एक भूमिका निभाई जो बॉलीवुड द्वारा इंडियाना जॉन्स और द ममी में देखी गई फिल्मों के सार को पकड़ने का एक प्रयास था श्रृंखला कुछ समीक्षकों द्वारा अपने समय से आगे की फिल्म कहे जाने के बावजूद दुर्भाग्य से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफलता का सामना करना पड़ा 2007 में देओल ने उस समय की एक और असामान्य फिल्म बिग ब्रदर एक सतर्क फिल्म के साथ शुरुआत की यह 2002 में प्रियंका चोपड़ा की पहली रिलीज होने वाली थी लेकिन इसमें लगभग पाँच साल की देरी हुई फिल्म एक आपदा थी अपने वर्ष को जारी रखते हुए वह कॉमेडी फिल्म फुल एंड फाइनल में दिखाई दी है जिसमें उभरती प्रतिभाओं शाहिद कपूर और आयशा टाकिया के साथ स्पॉटलाइट साझा की गई यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही अपने 2007 में पहली बार देओल अपने पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल के साथ नजर आए स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म फिल्म ने काफ़ी प्रचार बटोरा और उल्लेखनीय सफलता हासिल की 2008 में वे अपने भाई के साथ एक बार फिर सामूहिक ही फिल्म हीरोज में दिखाई दिए देओल के प्रदर्शन की हालांकि संक्षिप्त प्रशंसा की गई 2009 में देओल ने थ्रिलर फॉक्स 2009 में अर्जुन रामपाल के साथ अभिनय किया यह एक प्रतिपक्षी के रूप में प्रदर्शित होने वाली देओल की पहली फिल्म थी यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म ए मर्डर ऑफ क्रोज उन्नीस से प्रेरित थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही 2010 में देओल की पहली रिलीज़ नीरज पाठक की क्राइम थ्रिलर राइट या रॉन्ग थी जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी यमला पगला दीवाना जिसमें उनके साथ उनके पिता और भाई भी थे 2011 में देओल की एकमात्र रिलीज़ थी और इसे हिट घोषित किया गया था अपने करियर में पहली बार देओल ने एनिमेटेड फिल्म महाभारत में भीम की भूमिका के लिए अपनी आवाज़ दी इसने रुपए सोलह पॉइंट नौ मिलियन कमाए यमला पगला दीवाना दो उनकी दो हज़ार ग्यारह की हिट की अगली कड़ी दो हज़ार तेरह में रिलीज़ हुई थी लेकिन फिल्म आलोचनात्मक रही और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही दो हजार तेरह के अंत में देओल ने अनिल शर्मा के साथ एक बार फिर सिंह साहब द ग्रेट के लिए काम किया जिसे बड़े पैमाने पर पसंद किया गया और इसने सिनेमा हॉल के साथ साथ फेसबुक पर भी तहलका मचा दिया फिल्म सफल रही 2016 में सनी देओल और धर्मेंद्र 2015 में उन्होंने कंगना रनौत के साथ राधिका राव और विनय सप्रू की आई लव एनवाई में काम किया किसी अज्ञात कारण से फिल्म को 2011 की अपनी मूल रिलीज तिथि से विलंबित किया गया और कई वर्षों बाद रिलीज़ किया गया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही 2016 में घायल वंस अफ अगेन रिलीज हुई जो उनकी उन्नीस की ब्लॉकबस्टर घायल का सिक्वल थी दिल्ली उन्नीस सौ के बाद यह देवल की दूसरी निर्देशित फिल्म थी यह साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई लेकिन कहानी और गति की आलोचना की गई फिल्म ने कमाई तो अच्छी की लेकिन अंततः असफल रही 2017 में वह और उनके भाई श्रेयस तलपड़े की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बॉयज़ में दिखाई दिए जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही 2018 में देओल यमला पगला दीवाना फिर से फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में दिखाई दिए साथ ही उस वर्ष उनकी लंबे समय से विलंबित दो फिल्में भैया जी सुपरहिट जहाँ उन्होंने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई है और मोहल्ला अस्सी रिलीज हुई ये सभी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही इस बीच 2019 में देओल ने फिर से एक निर्देशक का पद संभाला एक निर्देशक के रूप में उनकी तीसरी फिल्म पल पल दिल के पास जिसमें उनके बेटे करण देओल की पहली फिल्म थी जिसमें एक और नवागंतुक शहर बाम्बा मुख्य भूमिकाओं में थी 2022 में देओल ने क्राइम थ्रिलर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में अभिनय किया फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द केंद्रित है जो बेईमान फिल्म समीक्षकों को निशाना बनाता है 23 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई जहां इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली 2023 से वर्तमान पुनरुत्थान 2001 के ब्लॉकबस्टर गदर की अगली कड़ी गदर दो 11 अगस्त 2023 को रिलीज़ हुई थी फिल्म की कहानी उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के युग के आसपास केंद्रित है जिसमें तारा सिंह के रूप में देओल वापस पाकिस्तान लौटते हैं उसका बेटा इसका निर्देशन और निर्माण अनिल शर्मा ने किया है और फिल्म में देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिका में हैं देओल अगली बार सूर्या में नजर आएंगे उन्होंने बाप में अभिनय करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई जिसमें वे अपने समकालीन मिथुन चक्रवर्ती संजय दत्त तो और जय श्रॉफ के साथ दिखाई देंगे राजनीतिक करियर देओल तेईस अप्रैल दो हज़ार उन्नीस को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रतिद्वंद्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुनील जाखड़ के खिलाफ बयासी वोटों के अंतर से जीत हासिल की व्यक्तिगत जीवन सनी देओल की शादी पूजा देओल जन्म लिंडा देओल से हुई पूजा एक एंग्लो इंडियन परिवार से आती है उनके पिता कृष्ण देव महल एक भारतीय हैं जबकि उनकी माँ जून सारा महल ब्रिटिश शाही परिवार से आने वाली एक ब्रिटिश है इस जोड़े के दो बेटे हैं करण और राजवीर करण यमला पगला दीवाना दो में सहायक निर्देशक थे और उन्होंने फिल्म में दिलजीत दोशैन द्वारा गाए गए गाने में रैप किया है करण देओल ने दो में हिंदी भाषा की फीचर फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू किया है करण ने 2021 की क्राइम कॉमेडी फिल्म वेले में भी अभिनय किया जून 2023 में करण ने सनी देओल धर्मेंद्र और बॉबी देवल सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में दृश्य आचार्य से शादी की परंपरा इस धारा की तटस्थता विवादित है प्रासंगिक चर्चा वार्ता पृष्ठ पर पाई जा सकती है भारतीय फिल्म उद्योग में सनी देओल के करियर ने सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति दोनों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है अपनी दमदार स्क्रीन उपस्थिति गहन अभिनय और सशक्त संवाद अदायगी के लिए जाने जाने वाले देवल का प्रभाव पीढ़ियों तक फैला हुआ है एक्शन हीरो को परिभाषित करना देवल के कठोर निडर और नैतिक रूप से ईमानदार चरित्रों के चित्रण ने उन्हें अपने स्वयं का सर्वोत्कृष्ट एक्शन हीरो बना दिया घायल घातक बॉर्डर और गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने शक्तिशाली प्रदर्शन देने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया जिससे वह एक्शन उन्मुख सिनेमा में एक उल्लेखनीय व्यक्ति बन गए एक्शन शैली की फिल्मों में देओल की भागीदारी ने उन्हें इंडियन रेनबो और सिल्वेस्टर स्टैलोन ऑफ इंडिया उपनाम दिया है 2016 में महिला भारतीय पहलवान और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट ने खुले तौर पर सनी देओल के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की उन्हें अपना पसंदीदा अभिनेता बताया और बताया कि कैसे उन्होंने सनी देओल के चित्रण से प्रेरणा ली मशहूर भारतीय अभिनेता और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल चाहता है जैसी फिल्मों के निर्देशक फरहान अख्तर ने कहा कि देओल अभिनेता अर्जुन उनकी सर्वकालिक पसंदीदा हैं प्रभावशाली संवाद प्रतिष्ठित बलवंत राय के कुट्टो ढाई किलो का हाथ और तारीख पे तारिक सहित देओल के यादगार संवाद भारतीय संस्कृति में व्याप्त हो गए हैं जो रोज़मर्रा की बातचीत और संदर्भों का हिस्सा बन गए हैं भावनाओं के साथ पंक्तियां प्रस्तुत करने की उनकी प्रतिभा ने उनके पात्रों और फिल्मों की लोकप्रियता में योगदान दिया 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवल के सबसे प्रतिष्ठित संवादों में से एक को ट्वीट करके भारत की भावना का जश्न मनाया हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा एक राष्ट्रीय नेता से मिली यह मान्यता भारतीय लोकाचार के साथ देवल की प्रतिध्वनि और देशभक्ति और गौरव का प्रतीक उनके चरित्र चित्रण को रेखांकित करती है सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना अपनी एक्शन भूमिकाओं के अलावा देओल ने महत्वपूर्ण सामाजिक मामलों को संबोधित करने वाली फिल्मों में भी कदम रखा दामिनी जैसी फिल्म है जिसे अभी भी एक भारतीय नारीवादी उत्कृष्ट कृति माना जाता है और एक लोकप्रिय पंथ का आनंद लेती है और गदर एक प्रेम कथा जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संबंधों के विषय की खोज की नए मनोरंजन और चर्चा के रास्ते दोनों के पेश की पेशकश की पुरुषत्व और कट्टरवाद का सांस्कृतिक प्रतीक देहुल के चित्रणों में पुरुषत्व और कट्टरवाद को दर्शाया गया है उनके चरित्र दृढ़ संकल्प और अटूट साहस के प्रतीक थे जो भारत के युवाओं के साथ गहराई से मेल खाते थे उनका कठोर और निडर व्यक्तित्व कई लोगों के लिए आकांक्षी व्यक्ति बन गया जिसने पुरुषत्व पर उनके दृष्टि को उनको प्रभावित किया और जिस चीज़ में वे विश्वास करते थे उसके लिए खड़े हो गए अग्रणी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस संस्कृति अपने करियर के चरम पर देओल भारत में बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े थे उनकी मानसल बनावट और काया पारंपरिक बॉलीवुड मानकों से हटकर थी जिसने व्यक्तियों की एक पीढ़ी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए प्रेरित किया अपनी ऑनस्क्रीन भूमिकाओं के प्रति देओल की प्रतिबद्धता और अपने शरीर को बनाए रखने के प्रति उनके समर्पण ने देश में बढ़ते शरीर स्वस्थ और फिटनेस आंदोलन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया उनके पोस्टर उनकी मांसपेशियों के निर्माण और तीव्र नज़र को प्रदर्शित करते हुए देश भर में जिम के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए थे ये दृश्य अपने शरीर को बदलने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रयास करने वाले अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं देहुल ने बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को प्रभावी ढंग से जिम स्थानों की सीमा से बाहर और सड़कों पर ला दिया अमीषा पटेल जन्म नौ जून उन्नीस सौ पचहत्तर एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है उन्होंने 2000 में रोमांटिक थ्रिलर फिल्म का होना प्यार है से अभिनय की शुरुआत की जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए जी सिने पुरस्कार दिलाया यह सफलता एक्शन फिल्म बद्री 2000 और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पीरियड फिल्म गदर एक प्रेम कथा के साथ जारी रही हमराज और क्या यही प्यार है दोनों 2002 दो दो में अभिनय करने के बाद पटेल के करियर में गिरावट आई और उन्होंने हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड में सहायक भूमिकाएँ निभाई लिमिटेड भूल और रेस टू उन्होंने सिक्वल गदर टू में अपनी भूमिका को दोहराकर करियर में वापसी की प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि पटेल का जन्म एक गुजराती पिता अमित पटेल और एक सिंधी और पंजाबी एन आर आशा से 9 जून 1975 को हुआ था वह अश्मित पटेल की बहन और वकील राजनेता बैरिस्टर की पोती है रजनी पटेल जो मुंबई की कांग्रेस प्रदेश कमेटी की अध्यक्ष थी उनका जन्म नाम उनके पिता के नाम अमित के पहले तीन अक्षरों और उनकी मां के नाम आशा के आखिरी तीन अक्षरों का मिश्रण है पटेल ने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की और बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन में टफ्ट यूनिवर्सिटी जाने से पहले शैक्षणिक वर्ष उन्नीस सौ से तिरानवे के लिए हेड गर्ल थी जहाँ उन्होंने दो साल तक अध्ययन किया अंत तो अपना स्थान बदलने से पहले अर्थशास्त्र के लिए प्रमुख पटेल को अभिनय का पहला अवसर उनके पिता के सहपाठी राकेश रोशन की ओर से रोमांटिक थ्रिलर का होना प्यार है 2000 में उनके बेटे ऋतिक रोशन के साथ अभिनय करने के प्रस्ताव के रूप में मिला हाई स्कूल से स्नातक होने के तुरंत बाद यह प्रस्ताव आया लेकिन उन्होंने इस परियोजना से इनकार कर दिया क्योंकि वह अमेरिका में अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती थी बाद में करीना कपूर ने उनकी जगह ले ली लेकिन सौभाग्य से कपूर ने कुछ दिनों के लिए प्रमुख फोटोग्राफी छोड़ दी और पटेल को एक बार फिर पारिवारिक दोपहर के भोजन के दौरान मौका दिया गया वह इस बार इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तुरंत तो तैयार हो गई अपने प्रेमी को खोने और एक अधिक परिपक्व रिश्ते की फिर से खोज करने के बाद एक उत्कट कॉलेज लड़की सोनिया सक्सेना की भूमिका ने पटेल को प्रदर्शन करने की गुंजाइश दी 2001 में वह अनिल शर्मा की क्रॉस बॉर्डर रोमांस गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल के साथ दिखाई दी पटेल ने कोहो ना प्यार है मैं सुर्खियों में आने से पहले इस पर हस्ताक्षर किए थे और वह उन 22 लड़कियों में शामिल थे जिनका फिल्म के लिए ऑडिशन देने आई 500 लड़कियों में से स्क्रीन टेस्ट किया गया था भूमिका पाने से पहले पटेल को बारह घंटे के ऑडिशन से गुजरना पड़ा था यह फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई साथ ही इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई जिसने भारत में नौ मिलियन रुपए की कमाई की इन सफलताओं के बाद फिल्मों की एक श्रृंखला आई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई जिम्मी शेरगिल के साथ रोमांटिक ड्रामा या जिंदगी का सफर में उन्होंने एक सफल गायिका की भूमिका निभाई जिसे उसके जन्म के समय उसकी मां ने छोड़ दिया था 2002 में पटेल ने लगातार तीन फ्लॉप फिल्मों में अभिनय किया आप मुझे अच्छे लगने लगे में उन्होंने सपना की भूमिका निभाई जो अपने ही पिता की सुरक्षा में कैद है यह फिल्म ऋतिक रोशन के साथ उनका दूसरा सहयोग है कहो ना प्यार है में उनकी सफल जोड़ी के विपरीत फिल्म एक बड़ी निराशा साबित हुई और एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी फिल्म में पटेल के प्रदर्शन की मीडिया के एक वर्ग द्वारा अत्यधिक आलोचना की गई लेकिन एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि एक त्रुटि थी क्योंकि दृश्य में बताया गया था कि उनका किरदार दमा का रोगी है फिल्म में यह जानते हुए भी संपादित नहीं किया गया कि एक शॉट कितना अंतर पैदा कर देगा इस प्रकार दर्शकों में उसकी सांस फूलती है दिखने के बारे में भ्रम पैदा हो गया जैसे कि वह ओवर एक्टिंग कर रही हो या रो रही हो पटेल की असफलता बॉबी देओल के साथ क्रांति और सलमान खान के साथ डेविड धवन की कॉमेडी में ये जलवा में जारी रही उसी वर्ष उन्होंने रोमांस फिल्म क्या यही प्यार है जो बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता का स्वाद चखा संघर्ष चरण 2003 से 2006 2003 से 2006 दौरान के दौरान पटेल के अभिनय करियर में मंदी आ गई हमराज की सफलता के बाद उनकी असफल फिल्मों का सिलसिला जारी रहा और 2006 तक जारी रहा 2003 में उनकी एकमात्र रिलीज़ तमिल भाषा की फिल्म पुथिया गीताई और हिंदी फिल्म दीपक बैरी की परवाना थी पुथिया गीताई पहली बार और एकमात्र तमिल फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया था 2004 में उनकी रिलीज़ विमल कुमार की कॉमेडी सुनो ससुर जी दो के बाद से विलंबित निर्माण और उनकी दूसरी तेलुगु भाषा की फिल्म नानी थी उसी वर्ष वह अदनान सामी के संगीत वीडियो ओ मेरी जान और है कसम तू ना जा में भी दिखाई दी 2005 में उन्होंने सतीश कौशिक की थ्रिलर फिल्म वादा में अर्जुन रामपाल